सो वेलकम फ्रेंड्स, वी आर बैक विद द लाइव स्ट्रीम। आप सब लोगों का स्वागत है गेमर लाइव चैनल पे गाइस। सो क्या हाल सबके, लौट आए हम अपनी स्पेशल नाइट स्ट्रीम के साथ। तो सभी फ्रेंड्स आज सबका वेलकम करते हैं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ओके हेलो हाँ जी, हेलो हाइपर, वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हो? हाय प्रभदीत, वेलकम प्रभदीत, कैसे हो? हेलो आशु, कैसे हो? वेलकम, गुड। चलो ब्रो, इट इज नो प्रॉब्लम। आई यार देखो, कोई वाली बात है, खेल में अगर कोई वाली बात है कि अगर देखना होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो हमारे लिए तो सभी एक समान है। जैसे हम अपने भाइयों को और अपनों को एक समान मानते हैं, और उनके लिए सभी चीज़ें हमारी हर चीज़ को साथ लेके चलना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। चलो और बताओ आशु, कैसे हो? खेल से मतलब नहीं, अगर हम खेल को देख कर अपनों की पहचान करें तो फिर खेल का मज़ा ही उठाते रहेंगे और अपनों को कैसे साथ में समय दे पाएंगे, ठीक है ना। चलो जॉड योर वॉच। ओके चलो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और फ्रेंड्स वगैरह आ जाए तो हम लोग सबका वेलकम करके अगर हमसे बात कंटिन्यू करेंगे। और हाइपर कैसे हो? ओपी जॉर्डर वॉट, क्या बात है। चलो अच्छा है, आते हैं फ्रेंड्स वगैरह, अपन सब ऐसे ही चैट पे मस्ती मजाक करते हैं, एंजॉय करते हैं। कोई भी आपको बात शेयर करनी हो बिंदास शेयर करें, ठीक है ना। आराम से आगे हम लोग बात कंटिन्यू करेंगे। और इसके ऊपर येलो शो हो रहा है एक्चुअल में, वन मिनट इसका क्या चलता है। ये आपका हाँ ठीक है, गुड, विंडो कैप्चर है, कोई दिक्कत नहीं, चला लेंगे। बाकी बस वही सेटअप वगैरह एक बार स्टार्टिंग में एक बार देख लो कि स्टार्टिंग क्विकली वगैरह होता है तो बेटर रहता है, ठीक है ना। चलो और कैसे हो आशु? चलो जो फ्रेंड्स टीम को देख रहे हो आराम से अपनी बात शेयर करना, आगे हम लोग आराम से बात कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। जॉर्डर वॉट, म्यूजिक तो नहीं चल रहा ना इसमें, म्यूजिक चलने देते हैं, चलो सही है, थोड़ा बहुत मना रहेगा। ओके ओके, पिकअप्स कर ली हैं प्लेयर्स ने, काफ़ी कुछ पिक कर ली हैं, ठीक है ना। बाकी चलो गेम कोई भी यार, अपन ऐसी जगह मस्ती मजाक करते हैं, एंजॉय करते हैं, जैसे ही जो भी गेम हमारे आगे सजेशन वगैरह आते हैं हम उस बारे में अपनी बात को शेयर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो मनु, हेलो कैसे हो? हेलो शौर्या, हेलो वेलकम, कैसे हो शौर्या? वेलकम, गुड। चलो आ जाए फ्रेंड्स सबका हम लोग अपन वेलकम करते हैं, आराम से आगे हम लोग अपनी बात कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ओपी गुड, चलो अच्छा है, अरे चलता रहता है यार खेल। देखो वही वाली बात है, 7 डेज 7 तरह के गेम होते हैं और जितना खेलो उतना कम है, लेकिन यही मौका है अपने सोच से मिलने का, साथ मिलकर ऐसे ही इंजॉय करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है ना। चलो और बताना, डिनर वगैरह सब अच्छे से हो गया? बाकी दिन का जो रूटीन्स हैं आपके वो ऑलरेडी चल रहे हैं अपने टाइम पे, ठीक है ना। हेलो साहिद, हाय ब्रो, कैसे हो? वेलकम टू द स्ट्रीम मेरे भाई, क्या हाल है? चलो आ जाए फ्रेंड्स वगैरह, फिर हम लोग आराम से आगे बात कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। चलो ओके गुड, यार ये मुझे लग रहा है एक मिनट, ये मैं डिस्प्ले जो कैप्चर यूज़ कर रहा है ना, ये बड़ा ही रंग बिरंगा सा कुछ दृश्य मुझे दिखा रहा है, एक मिनट को। ये कौन सा है? वेलो 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 वेलो, एक और वेलो का था ना मेरे पास, एक मिनट को, हाँ ये वाला ना, हाँ ये भी ठीक है। चलो ठीक है, एक ही बात है, एक ही बात है। हाँ जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? अच्छे मेरे भाई, बढ़िया एकदम। और आप बताएं कैसा रहा आपका दिन आज का? चलो ठीक है, अब ओके ओके है पोजीशन, बाकी यार देखते हैं आगे क्या हमारे सामने सिचुएशन आती है। धीरे धीरे आगे अटैक करना है, और गन अपने पास एक शॉट गन रख लेते हैं, शुरुआत करते हैं शॉट गन के साथ और ज़रा इंतज़ार करते हैं, अपने इनको आने देते हैं। चलो चलो साहिद भाई आना, जैसे बता देना मेरे को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन आराम से आगे बात कंटिन्यू करते हैं। जिनको गेम वगैरह में ज्वाइन करना होता है मुझे बता देना। ओपी ओके जी, हाँ जी मैं सोने जा रहा हूँ। अच्छा सोने जा रहे हो, जाओ मनु रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, और सब बढ़िया ना, थोड़ा ख्याल रखना, ठीक है ना। सभी आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, सब आराम से दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो आपको भी जो भी बात होती है आप आराम से शेयर करो, और कोई भी बात अगर तुम्हें लगती है कि अपनों से बड़ों से और सबसे जैसी तरह से बात की जा सकती है आप उनको हेल्प करना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जॉर्डर वॉच, अभी देखते हैं कहाँ है हमारे बाकी के साथी और उन तक पहुँचाते हैं मदद। बॉम्ब लगा दिया इन लोगों ने यार, लोगों ने स्पाइक सेट कर दिया है। हाँ जी मैं स्पाइक क्रश के मैच में हूँ। अच्छा स्पाइक क्रश में हो, ओके करो। ओ हो, अरे यार रुक जाओ, मैं ना एक मिनट वो लेने के चक्कर में हूँ इसके अंदर, क्योंकि एक मिनट ये एक मिनट रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। और गेम कैप्चर था कौन सा वाला था, ये है ना गेम कैप्चर, और एक हम वैलोरेंट का देखते हैं क्या होता है। ओके गुड, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, वो गेम कैप्चर ऑन किया है तो थोड़ा बहुत और इम्प्रूव हो जाएंगे, फेस वगैरह प्रॉपर शो करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ भाई, चलो अच्छी बात है, ख्याल रखो, ठीक है ना।
और कोई खास बात हो तो कुछ बता देना, क्योंकि तो वही है दिन में देखो, चाहे टाइम जैसे मिलता है या फिर जिनमें अपना तब भी मौका मिलता है, अपन तो इसे टू टाइम्स इन्जॉय करते हैं, ताकि जिनको अपना आराम से अपनी बात को कभी भी कोई बात शेयर करनी हो, लगता है कि यहाँ दोपहर में कोई और बात वगैरह फ्रेंड्स वगैरह कर रहे होते हैं तो उस समय लगता है कि चलो कोई बात नहीं भैया, उस समय बात नहीं हो पाई, तो आराम से रात में सोने से पहले आराम से बात करेंगे, ठीक है ना। जॉर्डर वॉच अभी जरा देखते हैं, बाकी के साथियों को देखते हैं कैसे संभाला है सिचुएशन को। छुप जाओ, ओहो छुप जाओ। बॉम्ब किसके पास है पहले ये पता लगाओ कि एक्चुअल में स्पाइक किसके पास है। बी बी की तरफ जाते हुए, बी की तरफ जाते हुए और दिखते हैं क्या वहां पर हमारे लिए सिचुएशन देखने को मिलती है। चलो वाओ, बहुत सही टारगेट किया, बहुत सही टारगेट किया है, और यहाँ अभी भी अलर्टनेस की जरूरत है यार। वो भाई गायब, क्लियर गायब, वाओ। वैलोर वॉच, और अब कहें अगले कहें। ओ भाई ये क्या चीज है यार, ये मत करो यार, ये गलत बात है, ये नहीं चलेगा भाई, ये अलाउड नहीं है। अब पक्षियों को नहीं भेज सकते अपनी जगह पे लड़ने के लिए। हेलो तनीश कैसे हो, कल कौन सी गेम खेलोगे? मनु कल अपने तो पैर में, माय डियर 3 दिन आपका स्टंबल है, 3 दिन आपकी माइनक्राफ्ट है। ओ यार मारा लेकिन काम बना नहीं, मारा लेकिन काम बना नहीं, चलो बढ़िया गुड नाइस वी आर रेडी। बाकी अभी देखते हैं और मूवमेंट को समझते हैं, बिकॉज इस समय जो है समझदारी से कदम बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि एनिमीज जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं और उनकी तैयारी का हमें भी पूरा उनकी भावनाओं का ख्याल रखना है, ठीक है ना। हाँ जी यो स्मोक फेंक देते हैं, अरे मेरे भाई पता नहीं क्या क्या करते हैं मेरे भाई, स्मोक में क्या ऐसा भर के फेंक देते हैं, पता नहीं ऐसा स्मोक में क्या भर के फेंक देते हैं कि अगलों को उसका दिखने के बाद या फिर उस के संक्रमण में आने के बाद इंसान को दिखना बंद हो जाता है। चलो और बताते नीश, डिनर वगैरह सब अच्छे से हो गया? हाय हैरी वेलकम, कैसे हो? इस गेम का नेम क्या है तनीश? ये अपना वो है वैलोरेंट है, ये अपना वो वैलोरेंट है ओपी। चलो ठीक है, बाकी जो भी आगे होता है शेड्यूल्स वगैरह को लिख के हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह में आगे भी अपडेट कर देते हैं, ठीक है ना। बाकी कोई भी आपको अपना कोई सजेशन होता है, किसी बात को लेकर कोई भी डाउट होता है, बिंदास शेयर करने के लिए। ओपी यहाँ कहाँ है, वहाँ निकलो, मार दिया मार दिया, मार तो दिया है, ज़रा देखते हैं कहाँ जाते हैं, ठीक है ना। ओके ऑल क्लियर, तो ये वाला राउंड हमारे साथियों ने संभाल लिया है पोजीशन। वो कुछ नहीं है इसमें, देखो सिंपल सा गेम है, दो दो राउंड इसके अंदर होते हैं, मतलब कि दो टीम्स होती हैं, तो दो टीम्स, एक टीम होती है जो बॉम्ब लगाती है और एक टीम होती है जो डिफ्यूज करती है, तो बस उसी के ऊपर पूरा गेम बिल्ड रहे। चलो कोई बात नहीं, और अलग अलग राउंड्स हैं, जैसे अलग अलग सोचे जाते हैं हम लोग, अलग अलग मोड्स वगैरह खेलते हैं बाकी गेम्स वगैरह में, वैसे ही कुछ है। तो इसमें एक्चुअली ये होता है कि अभी जैसे हमारी टीम है, उनकी टीम है, हमारे में अभी अभी उनकी टीम बॉम्ब लगा रही है कुछ राउंड्स, उसके बाद वो बॉम्ब लगाएंगी और हमको जो क्या करना है, हमको वो डिफ्यूज़ करना है और उनको एनिमीज को भी क्लियर करना है। तो ये जो काम मतलब कि अच्छे से कर पाएंगे वो उस हिसाब से पॉइंट बेस पे इसमें गेमिंग होती है, ठीक है ना। हाँ जी हाँ हो गया डिनर, गुड अच्छी बात है नाइस। चलो और फ्रेंड जो देखा स्ट्रीम का देख रहे हो, मतलब चैट पर हंसी मस्ती करते हैं और आराम से इंजॉय करते हैं, ठीक है ना। कोई भी आपको बात शेयर करनी हो बिंदास शेयर करना। ओके यहाँ आ गए ये, यहाँ आ गए ये, अरे दादा यहाँ है, यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, ओहो यहाँ अब यहीं इकट्ठा हो रहे हैं, ओहो हो 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 टारगेट करते हुए मारो रे। कौन कौन रह गया? वैनम वैनम, ओहो क्या बात है, सुपर पावर्स, सुपर पावर्स का यूज़ करते हुए। चलो और हैरी तबीयत कैसी है अब, पहले से आराम है ना? चलो आते हो, कोई भी बात ध्यान में आती है ना बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दो बात करते हैं, अच्छा लगता है हमें भी। ओके कोई बात नहीं, कोशिश करी हमारे साथियों ने, हमें इस बात की बहुत खुशी है, ठीक है ना। हाँ जी भाई मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, लव यू माई डियर, लव यू छू, बिकॉज हमें देखो मेरे भाई जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम आराम से कोई भी बात को अगर आपकी होती है जिसको हम सुनते हैं समझते हैं उस बारे में आराम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। हमें कोई भी ऐसा खेल में इतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं, खेल तो देखो हमारे भाइयों को अच्छा लगता है कि भैया थोड़ी बहुत बात करते करते अगर हम कोई अगर गेम इन्जॉय कर सकते तो हम लोग उसको भी एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है ना। चलो बाकी इतने आप अगर बस ऐसे ही आप सब खुश रहो और ऐसे ही आप अपना सबके लिए ऐसा ही व्यवहार और सब में आपस में ऐसे ही प्यार बना रहे तो हमें भी बहुत खुशी होती है, ठीक है ना। हमारी सबसे बड़ी खुशी ये है कि आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और प्यार बना रहे, ताकि किसी को भी
किसी को सोचने के लिए या फिर किसी को भी पहचानने में कोई गलतफहमी ना हो, ठीक है ना। चलो मुझे अब कुछ कोल्ड पीना है और मैं मन कर रहा है नींबू पानी पी लूँ, पेप्सी भी नहीं है। अरे तनिष अभी थोड़ा ख्याल रखना मेरे भाई, थोड़ा सा सीजन थोड़ा सा ना अभी ऐसे ही चल रहा है, तो थोड़ा बहुत मतलब खाने पीने का ख्याल रखो। बाकी खाओ पियो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सीजन थोड़ा सा ना कोल्ड और थोड़ा समर के बीच में है, थोड़ा ख्याल रखना, ठीक है ना। चलो ठीक है। बाकी मनु आपकी कौन सी क्लास में हो, कौन सी एज, मतलब क्या की एज वगैरह क्या है, आप मुझे बताना ज़रूर, अगर उस हिसाब से हम आपसे बात करें, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि हाँ आप बिल्कुल हमारे सिमिलर एज के हो, तो हम आपसे सिमिलर एक अपने जैसे होता है कि एक पर्सन टू पर्सन हम कोई बात करते हैं, तो हम आपसे कह पाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मैं जस्ट मतलब कि वैसे थोड़ा छोटा हूँ, तो फिर हम भी ख्याल रखेंगे जैसे हम अपने छोटे भाइयों को ट्रीट करते हैं और आप हमें बड़े भाई की तरह ट्रीट करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है ना। हेलो, लव यू टू मेरे भाई। ओके जी, थैंक यू। विशु कैसे हो, वेलकम। चलो आ जाएं सभी फ्रेंड्स, फिर आपस में आगे मस्ती करेंगे, ठीक है ना। हाँ तनीश, बहुत अच्छी बात है। बाकी चलो ख्याल रखो, वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार, देखो कोई बोलता नहीं है। और सो पता है लोग पता क्या सोचते हैं, मैं अपने वही वाली बात है, मैं अपने को समझाऊंगा कि यार तुम ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो वो सोचते हैं कि यार ये मेरे को मतलब कि समझा क्यों रहे हैं, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी खाऊं कुछ भी पीऊं। लेकिन ये एक हमारा राइट है, बाकी आप कुछ भी खाओ कुछ भी पियो वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बार तो अपने भाई को समझाना या फिर अपने को समझाना कि हाँ जो चीज़ उसके लिए सही है उस चीज़ में हम उसको समझाएं, और जो चीज़ें वो अच्छे से अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकता है, क्योंकि आज वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखेगा तो वो मिलेगा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। कितना टाइम लगेगा आपको, देखो मेरे भाई आप मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा, उनको तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, बाकी थोड़ा टाइम लगेगा ही, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, अपन बात करते हैं, आ जाना, है ना। हाँ जी उज्जवल, वेलकम, कैसे हो। स्नाइपर चलाओ, हाँ हाँ स्नाइपर चलाते हैं यार, स्नाइपर चलाते हैं अभी, इधर देखते हैं अभी अपन लोग ने शॉट गन लिया, बिकॉज अभी जैसे स्टार्ट हुआ है तो ज़्यादा अभी ना इसमें क्या होता है कि पॉइंट्स वगैरह मिलते नहीं, थोड़ा सा पॉइंट्स वगैरह आ जाए ना फिर अपन देखते हैं। चलो और बताओ उज्जवल, डिनर वगैरह सब अच्छे से हो गया, लेट्स गो एस, ओह एस गुड। बाकी देखते हैं कहाँ घूम रहे हो, अरे हम तो घूम रहे हैं, हम इस समय यात्रा पर निकले हैं द वैलोरेंट की, और इसकी गलियों को अच्छे से पहचान रहे हैं। और यार ऐसे हुआ था, राइट लेफ्ट के चक्कर में बंदे जा रहे थे हम लोग, एक बंदा राइट एक बंदा लेफ्ट, एक बंदा राइट एक बंदा लेफ्ट। हाँ जी स्नाइपर अवार्ड, स्नाइपर्स, ओ यार बॉम्ब किसे लगाया हुआ है, हाँ जी यस गुड। अरे यार फटेगा पता नहीं, हम लोग जाएंगे यार फटे, अरे यार कोई था ही नहीं यार, अच्छा मैं ही था, चलो कोई बात नहीं, और अभी भी खेल में बने रहने की संभावना है पूरी करते हुए। बाकी कितने कितने पॉइंट, ये स्नाइपर स्नाइपर व्हाट, चलो देखते हैं, आ जाओ जरा आ जाओ पाची, देख गया तो की करते हो। बाकी स्नाइपिंग के लिए यार एक्चुअल कहना है, अगर बंदा क्लोज आ जाए ना फिर दिक्कत हो सकती है, और उज्जवल कोई दिक्कत नहीं है, बाकी देखते हैं यार अगर बंदा एकदम क्लोज आ जाएगा ना फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। भैया MP5 किंग हूँ साइड फ्री फायर में हेडशॉट, अरे MP5 किंग, हाँ अच्छी बात है यार, MP5 तो बड़ी कूल बंदूक है, उसमें FF के अंदर ना मैंने ट्राई की थी। ओके यार रुक जाओ, यहाँ एनिमी है, और एनिमी कहाँ है अभी दिख नहीं है, चौड़ी और वॉट, अरे यार ओ भाई कितना मजा आया। चलो एक तो हम लोगों ने किल टपा दिया बहुत अच्छे से यार, एक बहुत ही शानदार किल हमें मिलता हुआ, जिस बात की हमें बड़ी खुशी है, क्योंकि तो स्नाइपर से अपना खाता खुलना बहुत अच्छी खबर है इस समय। चलो नाइस, चलो ओके गुड। आपको टाइम लगेगा, 13 राउंड हैं अनरैंक में, हाँ देखो यार अभी देखो थोड़ा बहुत जितना टाइम लगता है तो उसको लेकर चलते ही हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाते हैं। हाँ MP5 से भी हेडशॉट, अच्छा उससे भी हेडशॉट, क्या बात है अच्छी बात है, हेडशॉट्स वगैरह तो देखो यार गेम में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाती है, अपन भी वही है कि थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस इसलिए करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी हम लोग प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं ताकि कोई भी गेम हो चाहे उसमें हम लोग थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूट वगैरह कर सकें तो अच्छी बात है, ठीक है ना। जॉर्जी और वॉट, अभी देखते हैं हमारे साथ ही अभी भी हार नहीं माननी चाहिए जब तक आपके पास कोई भी, अगर आपके पास चांस हो अपने आप को अच्छे से अपने साथियों को मदद करने के लिए। बाकी आप लोगों ने पता है लास्ट में उस दिन लोगों ने लास्ट में स्ट्रीम करी थी, लोग आपस में वो खेल रहे थे कस्टम्स खेल रहे थे भाई, सभी आ गए थे, सभी तन्मय भैया भी आ गए थे और अपने वो ऑलमोस्ट गॉड भी आ गए थे, सभी आ गए थे,
मेरा उस दिन अच्छा मोमेंट बना था। शॉडी और वॉट, अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं। और कोई और कौन सी गन्स वगैरह आई हैं, उसमें कोई नई गन्स वगैरह आई हैं क्या? पता नहीं, आता नहीं उसका तो यार। कुछ ना कुछ कह रहे हैं कि अभी FF का कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन वगैरह आगे बहुत जल्दी कोई ना कोई निकल कर आएगा ही। ओपी वो यार, कवर ले रखा था अगले ने, कवर में मार दिया, कवर ले रखा था अगले को, कवर में मार दिया। मूनी मून मून, देखते हैं। स्पाइक प्लांट हो गया, स्पाइक प्लांट हो गया है। ओए होए, बहुत ज़्यादा ही मूवमेंट है यार। आपका लेवल कितना है? मेरा 54 है। आपका देखो, मुझे ध्यान नहीं, काफ़ी टाइम हो गए मुझे FF को ओपन करे भी। चलो मैं जब नेक्स्ट देखूंगा ना, मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। हेलो अनबीटेबल, वेलकम, कैसे हो? हेलो सर, बिग फैन। अरे मेरे भाई, जीते रहो, सुखी रहो, खुश रहो और हंसते खेलते रहो। कह रहे जे तो बात हो गई। अब FF नहीं खुल रहा, FF नहीं खुल रहा। अच्छा, और एक बार खोल के दिखाया। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ था क्या? और सर पेपर अभी ट्यूसडे तक चलेंगे। ओह, ट्यूसडे तक, मतलब कि ये वाला वीक तो समझ लो गया है ना, ये वाला वीक तो तुम्हारा गया। अरे हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत स्टडीज़ करो, थोड़ा बहुत फ्रेंड्स वगैरह साथ चिल करो, तभी मज़ा भी आएगा स्टडीज़ करने में यार। वरना बिल्कुल अगर छोड़ दोगे ना, तो पता क्या होगा, फिर बहुत लंबा गैप हो जाएगा, फिर उससे क्या होगा कि ना ढंग से बात हो पाएगी, ना ढंग से इन्जॉय कर पाओगे। फिर ऐसा फील आएगा यार, मतलब स्टडी तो कर ली, लेकिन अगला वो ख़राब हो गया, मतलब अपना फ्रेंड के साथ मस्ती करने का एक अपना एक। ओके ओके ओके, यहाँ है। हाँ जी, तब से रेगुलर आऊँगा। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, बाकी जब भी आओ, मैं तो कहता हूँ आप अपने लिए तो समय निकालना ही होता है। ओ ये अच्छा है भाई, कुछ भी कह लो, ये बढ़िया है कि अपने लिए तो देखो समय निकाल ही लिया जाता है। हम भी यही कहते थे कि आते हैं, मस्ती करते हैं, साथ में इंजॉय करते हैं, और मन मतलब खेल से बढ़कर आगे भी अपने मन को रिलैक्स करते हैं, ना कि वही वाली बात है कि भैया हम लोग इस गेम का वेट करते रह गए, वो अगला गेम का पता नहीं खेला ही नहीं खेला, लेकिन अपने जो फ्रेंड्स वगैरह थे मैं उनको भी लूज कर गया। तो ऐसा ना हो, इन्जॉय करो, ठीक है ना? FF बैंड है, हाँ FF बैंड है। चलो देखो हो जाएगा, ठीक है। हाँ ऑलमोस्ट, चलो और बताओ वो लोड। डिनर वगैरह सब अच्छे से हो गया, अनबीटेबल। अरे यार ये तो बनाते जा रहे हैं। ओ यार एक को मारा, रने वापिस भेज दिया। ओए होए, ये कोई क्लोज आया है। ओ ये भाई, ये था यार सुपर पावर, ओपी और वॉच, ओपी क्या मारा यार भाई। हाँ ये तो बड़ा सही खेल गया, ब्लडी तो बड़ा सही खेल गया, ब्लजी ने तो यार इनकी ब्लजी बना दी, इन्होंने इनको ब्लजी कर दिया, ब्लजी और वॉच। चलो अच्छी बात है, और अभी भी खेल में बने रहने की पूरी संभावना है, और इन संभावनाओं का श्रेय जाता है हमारे सभी साथियों को। चलो गुड, नाइस। चलो और सब बढ़िया ना, लाइफ अगर सब बढ़िया चल रहा है ना, कोई भी खास खबर होती है ना बिंदास शेयर करा करो, आराम से चीज देखो, एंजॉय करो, साथ साथ बात करते रहोगे तो वही होगा कि अलग से, मतलब कि टाइम जो है अपना वही वाली बात है कि यूटिलाइज नहीं होता, बात करते करते एंजॉय करते करते अपना आराम से हम लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है? हेलो अब्दुल, वेलकम, कैसे हो? आई एम कमिंग। हाँ आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? और सब बढ़िया, डिनर वगैरह कर लिया ना? क्या पता इसके बाद खेलना ही है, अब सभी फ्रेंड्स वगैरह आ जाएंगे, उसके बाद आराम से हम लोग सबके साथ खेलेंगे, ठीक है ना? आज मैं बहुत कुछ, क्योंकि मेरा हेडफोन आया है। अच्छा, बहुत खुश हो क्योंकि आज आपका हेडफोन आया है, कंग्रेचुलेशंस मेरे भाई, कंग्रेचुलेशंस। और इंजॉय करो यार, म्यूजिक सुनो, मूवीज देखो, और मच मोर और वॉट लाइक गोल 1.5K, क्या भाई। चलो जहाँ सब साथ साथ में मिल गए, वहाँ पर किसी लाइक गोल की जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे भाई। यस हाँ जी, लाइक कर दिया, वेलकम अभिषेक, कैसे हो? चलो आ जाए फ्रेंड्स, आराम से कर लोग आगे वेलकम वगैरह करके, सभी फ्रेंड्स वगैरह हाई हेलो करके, फिर आराम से हम लोग आगे बात कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? वेरी गुड, ओके ओके, नाइस। और अभी कैसे हो? बाकी अरे क्या चल रहा है?
ओहो हाँ जी हाँ जी ड्रॉप इट डाउन। हाँ जी ड्रॉप इट डाउन, गुड। ड्रॉप इट डाउन अच्छा है। बाकी इसके अंदर वो म्यूजिक्स वगैरह सुन के बताना कौन से हैं, मॉडल वगैरह कौन सा है बताना मेरे को, ठीक है ना? चलो गुड, अच्छी बात है यार, आई एम वेरी हैप्पी। अभी इधर देखते हैं ये मूवमेंट जो अभी भी संभालने का काम करते हुए समय बाकी साथियों को देखते हैं कैसे संभालते हैं सिचुएशन को, साथ में हम अपनी साझेदारी को पूरा निभाते हुए। आप कैसे हो? हाँ जी अभिषेक अच्छे हैं मेरे भाई, आप बताओ फैमिली वगैरह में सब अच्छे हैं? आप तो घर आ गए ना अभी? ओके यहाँ कुछ था यार, ये कुछ टोने टोड़ के चल रहे हैं इनकी, चोट के चल रहे हैं। हाँ इंग्लिश सॉन्ग है, अच्छा इंग्लिश सॉन्ग है, नाइस। अल्ट्रा पॉइंट, अल्ट्रा पॉइंट्स और व्हाट भाई, क्या तेज भाग रही है वो, देख रो कैसे कैसे करेक्टर है ओपी ब्रो। हाँ जी वो सर ना हीट वेव्स करके आता है वो वाला गाना, वो मुझे उसमें बताया था, दर्शन ने बताया था, बड़ा अच्छा है वो, हीट वेव्स करके आता है उसमें वो, सुनो बड़ा प्यारा गाना है वो, स्पाइक प्लांटेड। चलो जी कहाँ लगा है स्पाइक, कहाँ पे स्पाइक लगा है? एक सेकेंड पानी पी के आता हूँ। हाँ पानी पियो आराम से, पानी पियो, रेस्ट करो और रिलैक्स करके आराम से देखो। ओके देख रहे हैं यार, कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं इस समय। आई थिंक हाँ यहाँ है बॉम्ब, यही है बॉम्ब, यही है। अरे यार पीछे वाले को पहले मार रहे हैं, अगले वाले को बाद में मार रहे हैं। ओए जॉर्डर वॉट यार, फटेगा ये वाला यार, ये एक्चुअल फटेगा ये, क्योंकि इन लोगों ने ना यहाँ पूरे में अंधेरा छाया गया है और ये फटा, खुद भी उड़ गया, बॉम्ब लगाया और खुद भी उड़ गया। लॉल लास्ट राउंड इन द हाफ, गुड ओपी ब्रो। अब हमारा हाफ चेंज होगा उसके बाद हम बॉम्ब लगाएंगे, ठीक है ना? ये लास्ट हाफ चेंज हो जाएगा उसके बाद हम बॉम्ब लगाने वाले हैं और अब हमारी बारी आएगी। हो देखते हैं कैसे हमारे साथी जो है सिर्फ सिचुएशन को संभालते हैं और हम भी हैं अपना पूरा अपना योगदान देने के लिए साथ में। पम 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 ओके 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 आ रहे हैं। वाइपर पीला एक जन्नत नसीब होगी। ओपी जन्नत और वाट, पता नहीं किन्हें जन्नत मिलेगी और कौन पार होगा। ओए होए कोई है जो धीरे धीरे आवाज मूवमेंट देखी जा रही है। ओके 3v2 हो गई बैटल अब। ओ ये क्या चीज है भाई, डिकॉय हो गए हम। अच्छा, ओ यार बड़ा ही जोरदार मारा, बड़ा ही जोरदार तरीके से इन्होंने मालिश की है। अभी जरा देखते हैं और कैसे। ओई क्या बात है, मूवमेंट बहुत जरूरी है, ये मूवमेंट का आना बहुत जरूरी है। ओए यही तो प्रॉब्लम आ गई, बॉम्ब लगा दिया उन्होंने और 8x4 का खेल चल रहा है। ओके अब आ गए हैं, स्पाइक हमारे पास आ गया है, अब स्पाइक हमारे पास टीम के पास आ गया, अब देखते हैं कैसे स्पाइक मूवमेंट्स को संभालते हैं। ए देखते हैं, चलो नाइस। ओ शेरिफ रिवॉल्वर, ये शेरिफ रिवॉल्वर बड़ी मस्त है यार, बड़ी जोर से आवाज करती है। यस वी आर स्पाइक टू विन, या वी आर हियर विद यू, सो डोंट वरी अबाउट इट। यार इतनी गोली हमारी, अगला मारा ही नहीं।
ओह क्या बात है, ब्लडी असॉल्ट और व्हाट। यस बहुत जोरदार तरीके से संभाला है। ओहो यूरो ने सिचुएशन बनाई है। सो नाइस और फ्रेंड्स, अगर गाइस स्ट्रीम को देख रहे हो अपना चैट पर ऐसी मस्ती मजाक करते हैं, कोई भी खास खबर हो, कोई भी खास जानकारी हो, बिंदास शेयर करना, ठीक है ना। अपना ये बात कंटिन्यू करते हैं। लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, मैं भी अलग हूँ, मैं इंग्लिश सॉन्ग को रिकॉर्ड करता हूँ, उसको प्ले करके स्टंबल गाइस खेलता हूँ। ऐसा कुछ है, अच्छी बात है यार। इन्जॉय करने के लिए कोई भी गाना सुनो यार, अच्छी बात है। इन्जॉय करने के लिए कहते हैं म्यूज़िक के अंदर बहुत पावर होती है। जब आप कोई म्यूज़िक को सुनते हो तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत अच्छा होता है आपके। अगर आप पॉजिटिव म्यूज़िक सुनते हो तो उसका आपको मेंटली जो होता है ना बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है ना। पर अच्छी बात है यार, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स मिलता है, इसका मतलब ये तो खुशी की बात है कि अच्छी चीज़ों को फॉलो करो। ओके और बहुत आ रहे हैं, देखते हैं अभी, अब हमारी बारी है। और अब कहाँ जा रहे हैं, उनके साथ चलते हैं, जब टीम के साथ रहेंगे इस बार, टीम के साथ रहेंगे उनका हौसला बढ़ाने के लिए। हेलो मिनल, हाय वेलकम, कैसे हो दादा। डिनर करने जा रहा हूँ। अच्छा डिनर करने जा रहे हो, ओके डिनर कर लो कोई नहीं, ठीक है ना। ओके मोमेंट मोमेंट बनाते हुए, ओए ओए वो क्या स्प्रे है बंदे का यार, अगला स्प्रे ही हमको सरप्राइज करता है बहुत ज़्यादा। आई एम कुशल अगरकर, ओके कुश कुशल नाइस टू सी यू, हाउ आर यू कुशल, कैसे हो आप। चलो गुड बढ़िया नाइस, चलो चलो ऑटो का स्ट्रीम को देख रहे हो, जो स्ट्रीम को ज्वाइन करते हो बाकी वेलकम वगैरह करके सभी फ्रेंड्स साथ अपना हाय हेलो करके, ठीक है सभी फ्रेंड्स साथ, फिर आपस में आगे बात कंटिन्यू करते हैं और जिसमें हम उनको आगे ज्वाइन कर सकते हैं, हम आगे बात में उनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। हाँ जी हाँ नेक्स्ट लेवल हो गया, दिल तरह वाला सॉन्ग, ओहो दिल तरह वाला वो तो वो सुनना स्वीट वेव्स बताता रहा हूँ मैं। ओहो सरेंडर कर दिया हमारी टीम ने यार, हमारी टीम ने सरेंडर कर दिया, उनको लग रहा है कि भैया थोड़ी संभावनाएं कम है। इसमें ये भी बात सही है कि अगर आपकी टीममेट्स को लगता है कि अगर आपको संभावनाएं कम है आगे बढ़ने की तो वो कहते हैं कि चलो कोई नहीं थोड़ा और तैयारी के साथ आएंगे, ठीक है ना। कंची हेलो मी वेलकम, कैसे हो, आओ मैं देखता हूँ। और गेमर 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 रेडवुड रेडवुड शैडो मास्टर बुलाते हैं, गुड चलो नाइस। अपन जो देखें स्ट्रीम को देख रहे हो और अपन सब चैट पर ऐसी मस्ती मजाक करते हैं, ठीक है ना। और अपनी टू टाइम स्ट्रीम्स जो है कंटिन्यू है, तो पैर वाली भी और अपनी नाइट वाली भी, ठीक है ना। तो जो फ्रेंड्स वगैरह आते हो पैर वाली टीम उस स्ट्रीम्स को लेकर या फिर रात वाली कुछ भी टाइमिंग्स वगैरह को लेकर कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी ऐसा कुछ भी सजेशन होता है तो बिंदास शेयर करना, ठीक है ना। और आते हैं मिलते हैं अपन चैट पर ऐसी मस्ती मजाक करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ गेम्स रिलेटेड बात करते हैं, आप अपने बारे में अपनी जो बात अच्छे लगे इस बारे में आराम से बात शेयर करना और हम आराम से बात कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। बैकग्राउंड में कौन सा सॉन्ग बज रहा है, मुझे वो वाला सॉन्ग सुनना है वो वाला सॉन्ग सुनना है। अरे नाइस, अरे यार हाँ जी हाँ जी, रुको भाव यहाँ से बैक कर सकते हैं क्या, यहाँ से बैक कर सकते हैं, कैसे करना है बैक, जल्दी जल्दी मेरे पास जल्दी मेरे पास, मुझे यहाँ से बैक करना है जल्दी बताओ। यहाँ से भी 3 मिनट का बैन मिलेगा है, आधे घंटे का पैन मिलेगा यहाँ से। इसमें नहीं कर सकते अपने लिए होगा मतलब क्या पिक कर लिया? नहीं पिक नहीं करो, पिक ना करूं। 3 मिनट का पैन देगा। हाँ जी हाँ जी स्पाइक क्रश खेलो आया तो हाँ मेरे भाई, मैं जस्ट वही भाई से कंफर्म कर रहा हूँ, वो भी ये कह रहा है कि यार गेम अगर स्टार्ट होता है तो फिर वो आधे घंटे का बैन दे देगा। मैं कहा चलो कोई नहीं, उससे मैं वही प्रोफेशन ढूंढ रहा हूँ। हेलो बाबू गेमिंग वेलकम, कैसे हो तुम, बहुत अच्छे से बात करते हो प्रोफेशनल स्ट्रीमर की तरह। अरे मेरे भाई प्रोफेशनल स्ट्रीमर का पता नहीं, हम बस अपने फ्रेंड्स की तरह हम लोग इन्जॉय करते हैं, ठीक है ना। चलो और बताओ कैसे हो। हाँ जी अरे साहित एक्चुअली यार उसमें चले गए यार, अनरेटेड में चले गए, बस मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ। अरे चुप रहो, हम नहीं पिक कर रहे, हमें पिक कर लेंगे तो हमारे लग जाएंगे।
हम पिक नहीं कर रहे हैं, हमारे लगवाने नहीं है हमें बड़े। हाँ जी हाँ, आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो और बताओ अम्मी कैसे हो, पिक हो गया? अरे हाँ हाँ, मैं तो पिक पिक वाला पे साइन ही नहीं किया था। पिक हुआ, पिक 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 लिखना भी पिक हो जाए 87 के बाद। अगर तुमने कोई भी कैरेक्टर पे क्लिक कर रखा था पहले से, हाँ तो भाई तुम्हारा कैरेक्टर तो क्या करूँ, मैं बैक कर लूँ फिर आधे घंटे का पेन लगेगा पक्की बात है। सेंटर करवाएंगे तो दो ही सेंटर कर पाएंगे हम तो। चलो कोई नहीं, मैं करवा दूंगा मैं, कोई बात नहीं। साहिद भाई, अब्दुल भाई, हम लोग आ गए, मैं आपको ज्वाइन करवाता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अपन और भी राउंड्स कंटिन्यू करने, ऐसा नहीं है, और एक बार हमारी टीम हो जाएगी आराम से, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नो प्रॉब्लम और वॉच। चलो और बताओ साहिद, कैसा गया आज का दिन, कॉलेज वगैरह में सब बढ़िया चल रहा है? अपन आराम से बात कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। और वैसे भी गेम में हम लोगों ने बात ही करनी है, और ढंग से तो हो नहीं पाएगी, तो हम लोग आराम से चैट पर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो और फ्रेंड्स, जो स्ट्रीम को देख रहे हो, अपन सब चैट पर ऐसे ही मस्ती मजाक करते हैं, इन्जॉय करते हैं, और कोई भी आपको बात शेयर करनी हो, जिस बारे में आपको बात अच्छे लगे, कोई भी खास खबर हो, कोई भी खास नहीं जानकारी हो, अपन आराम से इस बारे में बात कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। हाँ 1 hour और 30 minutes, हाँ मेरे भाई, मैं इसलिए रुक गया, मैं कोई बात नहीं, मैं इसलिए रुक गया मैं, क्या अभी वो वाला चक्कर डालना, वरना फिर अगला वही पूरा ख़राब हो जाएगा। नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, नॉर्मल खेलो यार, वो फिर वो भी बोलेंगे कि ऐसा है वैसा है, ठीक है ना। चलो नाइस, ओके। और फ्रेंड्स, जो गाइस स्ट्रीम को देख रहे हो, आके वेलकम वगैरह करके सभी फ्रेंड के साथ आगे हम लोग हाई कर हेलो करके आराम से लोग आगे बात कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। और जो जो फ्रेंड्स फैमिली में नहीं हो, सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को फैमिली को ज्वाइन करना भूलना, ठीक है ना। और अपन ऐसे ही ढेर सारे गेम इन्जॉय करते हैं, वेलो और PGY वगैरह, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप उसमें भी आप साथ में आओगे, हम लोग आज बात करेंगे, और जिनको ज्वाइन करना है वो आराम से हम लोग आगे बात कंटिन्यू करेंगे। अरे यार ओके, हिलाप हो गया नाइस। हेलो आई एम भूत भाई, आपकी और मेरी दोस्ती खत्म, क्या होगा? अच्छा ऐसा कुछ है क्या, पता नहीं, हाँ मैंने पता है इस बारे में यार, हमें तो नहीं पता, तुमसे कोई गलती हुई हो तो ना, छोटी मोटी गलती तो हम तुम्हारी माफ़ कर देंगे यार, ऐसी क्या बात है, इतने मत फिकर करो यार। ओके और वॉच, हाँ जी भैया, आप ये स्मार्टी पाई को जानते हो? हाँ स्मार्टी पाई वगैरह की वीडियोज़ वगैरह हमने देखी है। चलो बाकी आई एम भूत, मेरे भाई आप बिल्कुल आप रेस्ट करो, कोई बात नहीं, अगर आपको किसी से अगर बात नहीं करनी है तो आप बात मत करो, ठीक है ना। आप आराम से, आपको देखना है देखो, अगर आपको कोई बात ध्यान में आए तो आप शेयर करो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप रेस्ट करना, ठीक है ना। चलो अगर आपको लग रहा है कि आज आपकी तबीयत वगैरह सही नहीं है, या फिर आपको कोई और आराम की ज़रूरत है, तो बिल्कुल आप आराम करो। चलो तुम्हें दोपहर में बोला था कि रात में BGMI खेलेंगे, हाँ माइडियर बात को बताया था ना, 3 दिन आपकी कंटिन्यूड है मेरे भाई, कि 3 दिन आपका BGMI और 3 दिन आपका वैलोरेंट, ये चीज़ हमने कंफर्म है, और ये चीज़ कोई भी हमारे फ्रेंड पूछते तो उनको यही बताते हैं, ठीक है ना। गुड ओके जी, क्योंकि अभी जो रूटीन है वो अभी कंटिन्यूड है, ठीक है ना। बाकी देखते हैं ये भाई हमारे कैसे सिचुएशन को संभाल रहे हैं, और अगर हमने अगर वही वाली बात है, कोई भी अगर बात शेयर करिए तो हम लोग पूरा अपने उसके हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से, या तो और चीज़ों को अपने फ्रेंड्स वगैरह को आगे शेयर करते हैं, ठीक है ना। मैं कृष्णा हूँ, अरे तुम कृष्णा हो तो फिर ख्याल रखो ना, फिर कृष्णा हो तो फिर इन छोटी छोटी चीज़ों का परेशान क्यों होते हो तुम, बता ऐसा पता क्या लगता है तुम, ऐसे जब पता क्या होता है एक्चुअल में, कि तुम किसी बॉट के साथ पहले तुम ऑब्जेक्शन फाइट कर रहे हो, अगला बॉट क्या रिस्पॉन्स करेगा मुझे एक बार बताओ, बॉट तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात को सुनने के बाद तुम्हें बोलेगा जी भैया जी, तो ऐसे तो कोई बात ही नहीं है। और अगर सही अगर वही वाले कोई अगर ऐसा कोई इंसान होगा वो, तो वही वाले बताइए सोचेगा कि यार इनको क्या हो गया, पता नहीं पहले बॉट के साथ उसके बाद और उन लोगों के साथ ऐसी बात कर रहा है, तो जिसको लेकर बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी कुशल ब्रो, प्रेस वाई वैन यू, अच्छा प्रेस वाई, अच्छा ये उसके लिए है ना, हाँ हाँ आपने बताया था मेरे को कि वो चेक करने के लिए अगर स्किन्स वगैरह होती हैं तो कैसी लगती हैं देखने में। गुड चलो अच्छी बात है, बाकी ए पर आया है, ए पर आया है कोई, एक गया हेडशॉट, चलो नाइस। और बताओ, और भाई गेमिंग आपका, अगर आप मुझे बताओ अगर आपको एक्चुअल नेम अगर आपका जो भी है जिस बारे में जिससे हम आपको बुलाएं, आपको अच्छा लगे मैं आपको उस नेम से बुलाऊंगा, ठीक है ना। कल मेरा कोडिंग का एग्ज़ाम है कॉलेज में, अच्छा कोडिंग का एग्ज़ाम है, तो प्रिपरेशन वगैरह हो गई अच्छे से? ओके ओहो बहुत तेज शॉट आया भाई, पीछे रहो यार, ये गलत चीज़ पता, ये जो टोने टोटके हैं ये बड़ा ही परेशानी में डालते हैं, वो देते हैं कहाँ तक जाते हैं, ठीक है ना। चलो ए और वॉच, चलो देखते हैं आगे सिचुएशन को समझना है, और एक अकेला रह गया है,
और एक अकेला थक जाएगा, साथी हाथ बटाना। चलो ओके। हाँ जी, हाँ हाँ कुशल गोस। चलो और बताओ कृष्णा, डिनर वगैरह करके आए हो अच्छे से ना? एक बार जाना है लेकिन, ये मुझे लग नहीं रहा कि इतनी आसानी से हमारे साथियों को वहां पर जगह मिलेगी। तो धीरे से वहां पर जाकर चीजों को समझना है। ओहो, लास्ट मोमेंट लास्ट मोमेंट लास्ट मोमेंट, फटाफटा फटाफट जाएगा बता दे। ओ ओपी, लास्ट मोमेंट में फ्रेंड्स बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया और वेरी गुड परफॉर्मेंस। चलो नाइस, बाकी अब आगे देखते हैं और अपन कंटिन्यू करते हैं। और अभी जो खेल है इसमें ऐसे ही कि अब लोग जो स्टार्टिंग है, जो कुछ राउंड्स हैं उसमें अब अपने जो है हम वो करेंगे, इसमें अपने जो बॉम्ब्स वगैरह डिफ्यूज करने हैं हमको, और अगले इसके बाद राउंड हमारे पास आएंगे बॉम्ब्स के लिए, प्लांट करने के लिए। फिर हमको वो बॉम्ब्स देंगे और उनको डिफ्यूज करने होंगे। ऐसे ही सीरीज के अंदर ये गेम अपना कंटिन्यू रहता है, फिर जिसके पास मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं वो विन करता है। ठीक है ना? चलो ओके ओके, मतलब देखते हैं। और कोई भी खास खबर हो, कोई भी खास जानकारी हो, कोई भी बात ध्यान में आती है, किसी बात को लेकर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, अपन आराम से शेयर करना। ठीक है ना? गेम असाइड, अपने जो फ्रेंड्स वगैरह आते हैं वो लोग आराम से चैट पे बात करते हैं, और जिनको लगता है कि हाँ भैया थोड़ा बहुत मैं इस बारे में टॉपिक पे मुझे बात करनी थी तो हम लोग आराम से बात करेंगे। ठीक है ना? एग्जाम कुछ कहते हैं मुझे कह रहे कल एग्जाम में कुछ कह के मुझे भगा। अरे नहीं भाई, मेरा कॉलेज हैक्टिक जा रहा है। हैक्टिक हैक्टिक और वॉट? अरे मेरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा ख्याल रखो। हो जाएगा, सब अच्छे से हो जाएगा यार, और ख्याल रखो सब बढ़िया से हो जाएगा। ओके अब जरा देखते हैं बाकी के साथियों को कहाँ पहुँचे। भैया मून भैया पहुँच गए हैं हमारे, और बस हम भी यहाँ से दौड़ लगा चुके हैं। अरे भाई 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 भाई, भाई, भाई आजा 12। पीछे से आ रहा है। ओहो ट्रैप और वॉच, ये बंदा बैठा हुआ था अंदर, इसने पहले से ट्रैप किया हुआ था, इसने पहले से ट्रैप किया हुआ था। सोच रहा था कि बस कोई बंदा नीचे आए उतरने के लिए, और ओहो मोमेंट आ गई है फ्रेंड्स। थोड़ा देखते हैं कैसे जाता है चेक। ओहो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है। आ गया आ गया आ गया आ गया। ओह डाउन और वॉट, चलो ठीक है, बहुत अच्छे से हमारे भाई ने ये पहली सिचुएशन को संभाला। ओहो हो गया, क्या बात है। ओके ओके क्या बात है, अभी रुक जाओ, अभी हमारी भी जो बची कुची कसर है हम पूरी करते हैं इनकी। रिक्वेस्ट फ्रॉम मनु हैज बीन रिमूव, ऐसा कुछ है क्या? ये क्या था? ये कुछ अलग तरह का, इसमें कुछ नया एक चीजें पता लगा हमको। ओहो ओके ओके आ जाओ ना, देखते हैं बाकी के साथी जो है कहाँ पर अपना अपना। आया आया आया। अरे यार ये ट्रिक गलत है यार, ये ट्रिक गलत है यार। अगले बंदे ने मरने से पहले अपने आप को बचा लिया। टीम ज्वाइन हो गया ब्रो, हो गया, आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो, पता नहीं मेरे भाई। अभी देखो यार एक मारा था लेकिन पता नहीं यार क्या किस्मत थी बंदे की, यार फायदा उठा गया वो अपने करेक्टर एबिलिटी का, वरना आज इसका जो था हमारे हाथों तो शहीद होना तय था, और उसको शहादत मिले उससे पहले ये बंदा लिटा दिया है। ओए पीछे से आ गया। ओ भाई एक के पीछे एक तैयार रहते हैं, एक के पीछे एक तैयार रहते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं। चलो अच्छी बात है। हेयर वॉच, ये तो इन लोगों ने इस बार अटैक करके खेला है पूरा, इस बार तो इन लोगों ने पूरा अटैक करके खेला है, कोई भी मूवमेंट अपनी तरफ से आने नहीं दिया कि बिल्कुल भी आप कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करो जिससे कि बाहर तक आवाज जाए, बाहर तक इन्होंने आवाज़ ही नहीं जाने दी। कहते हैं भैया आप तो भाई हम छोड़ने वाले नहीं है, कहाँ तक छुपोगे, आवाज़ नहीं है। हेलो हेलो हेलो, पता नहीं यार कैसे होता है। उस दिन हो भी गया था, उस दिन ना तन्मय भाई आए थे तो भाई आते ही उनकी आवाज़ आ गई। मैं कह रहा तन्मय भैया क्या आवाज़ है, तन्मय भैया कहते हैं मैं तो गेम में हूँ।
मैं कहा यार ये क्या हो गया, ये कुछ नया है यार, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। मुझे नहीं पता था कि इसमें ऐसा भी होता है कि आप टीमिंग वगैरह के अंदर मतलब आप ऐसे आप कर सकते हो। आई एम सरप्राइज्ड। चलो देखते हैं, पता लगेगा अभी यार थोड़ी देर तक। ओ अरे यार नंबर लगा दिया, सारे वहीं बैठे हैं, सारे के सारे वहीं बैठे हैं। ओहो अटैक कर दिया भाई, अब तो इन लोगों ने जानलेवा हमला लगता है, तो इनकी अब जाकर पंचायत लगवानी पड़ेगी तभी इनका फैसला होगा। ओ आगे नहीं आने देना चाहते, कहते हैं भैया जी आप वहीं रहिए और इधर आने का कष्ट मत कीजिए क्योंकि यहाँ हम बैठे हैं। चलो गुड, बी पीछे से अटैक हो गया। ओ तेजा, अरे लास्ट मैन और वॉट। हाँ ये तो अलग तरह का क्रेडिट कार्ड है। हाँ जी तन्मय भट्ट, नहीं नहीं मेरे भाई हमारे तो तन्नू भाई हैं। हाँ जी वो हमारे तन्मय भाई हैं, तन्नू भाई हमारे। और बताओ उम्मी सब बढ़िया? बता के नहीं गया, मैं वही सोचा था कि आए हेलो करा, मैंने कहा चलो कोई नहीं हो सकता है कि आ जाइए। चलो और बताओ सब बढ़िया? कैप्चर कर दूं? हो गया फेल्ड हो गया, मैंने किया तो था यार, फेल्ड हो गया। हाँ जी फेदर का एफ हो गया। अरे मैडी लग गए यार, उनके तो लग गए अच्छे से, उनका तो देख कर ही समझ में आ रहा था कि अब तो इनका कोई भारी नुकसान हुआ है जो कि हाँ जी किया माय डियर, हुआ नहीं, सरेंडर किया अब्दुल भाई हमने। पर वो अगले उन्होंने वोटिंग करी नहीं, वो अभी भी चाहते हैं कि हम अभी भी खेल में आगे बढ़ें और एक और अपने जितनों भी हम प्रयास हम कर सकते हैं वो अपनी हर वो उस मोमेंट का ट्राई करें, ठीक है ना? अरे मैं यही हूँ। हाँ हाँ चलो गुड, ओके ओके आ रहा है, आजा भाई। तो यार यार अगले बहुत तेज मारते हैं यार, सुनते रहता हूँ। ओहो सुनते रहते हो, अच्छी बात, तो अच्छी बात है सुनते रहो, और साथ साथ कोई बात अपने भी ध्यान में है तो पूछ लिया करो, बता दिया करो, ठीक है ना? जरूरी नहीं होता, गेम देखो एंजॉय करो। गेम तो यार बने इस तरह से होते हैं कि आप उसको जितना देखो उतना कम है, जितना खेलो उतना कम है। ओके बहुत बढ़िया, 2v2 वाली बैटल आ गई है, 2v2 बैटल का टाइम आ चुका है। अब जरा देखते हैं कैसे अपने आप को इस 2v2 बैटल में आगे संभालते हैं यार। वाटर वॉच, ओहो ये क्या था, ये तो वो मैजिकल पावर्स हैं, मैजिकल पावर्स। ओहो ये तो पता है वहां करते हैं जो ये लोग बॉम्ब वगैरह लगा देते हैं ना, ये वहां पे कर देते हैं ऐसे, अगले को दिखता ही नहीं, दिखता ही नहीं किसी को कि अंदर कोई बैठा हुआ है। वो कहता है हाँ जी पाजी तुसी वेखिया की वेखिया। ओए होए ओ भाई क्या भोगी भाई, पावर्स और वॉट। अभी ह्यूमिडिटी हो गई है पुणे में, अरे मेरे भाई ह्यूमिडिटी का मत पूछो शाहिद भाई, इस समय तो दिल्ली में भी ऐसा ही टेम्परेचर हो गया है कि आज पता है आज तो फिर भी थोड़ा सा मौसम में आराम है, कल मतलब कि दोपहर के बाद से बादल हो गए थे तो इतनी अजीब सी उमस हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि अजीब सी इतना कि वो क्रिएट हो गई थी। मैं तो कह रहा था यार अब तो घर में हो वाली बात है कि जब तक एयर कंडीशन ना हो तो वो एग्जॉस्ट वगैरह ना हो तो बेचारा वो तो अंदर बैठा हुआ इंसान जो है ना वो तो अंदर बाहर भी क्यों हो जाएगा। हाँ जी अरे मैं आपको बोला ही था कि मॉड सर्वर माइनक्राफ्ट का, हाँ कैसे बनाते हैं आपने बताया नहीं, कौन सा वाला मॉड सर्वर में माइनक्राफ्ट में? अच्छा मॉड सर्वर में देखो सर्वर में एक्चुअली क्या होता है वो सिर्फ परमिशन होती है कि आपको किसी को एक्सेस देते हो कि हाँ उसके अंदर कि किसी पर्सन वगैरह को कि आप वो अभी आके सर्वर्स वगैरह को डिटेल्स वगैरह जो है वो चेंज कर सके, बस वही चीज़ें होती हैं। और वो एक्चुअल वो वेबसाइट बेस्ड होती हैं, वो वेबसाइट बेस्ड होती है जिस वेबसाइट वगैरह पर बनाते हैं और उन वेबसाइट्स पर ही आप उसको अलाउ करते हो, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए गेम का ऑपरेटर जो होता है वो गेम के अंदर इंप्रूवमेंट के लिए वो करता है, हेल्प करने के लिए सबको, लाइक तरह का वो एक तरह का कह सकते हो वो एक गार्जियन ही होता है कि वो सबको गार्ड करता है, देखता है वो कि हाँ मेरे तरफ से हम क्या क्या वो है कि हेल्प कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना? उसका फिर अपना टारगेट यही होता है बस, ठीक है ना भैया? मैं अच्छा सॉन्ग खेलने और मेरा मतलब सॉन्ग सुनने, ये वाला सॉन्ग ओ रब भी खेल है खेले जो रोज लगा पे मिले, यार क्या बात है, आंसू निकल जाएंगे मेरे भाई, आंसू निकल जाएंगे यार, मत अभी उदास हो जाओगे, गाना वो बहुत ज़रा सैड है यार। और अगर तुमने ये सुन लिया और के बाद तुमने अगर अपने आप को संभाल लिया मेरे भाई तो ये बहुत खुशी की बात होगी, और हम चाहते हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। चलो जॉडी और वॉच, हाँ वेदर मीनामार जैसा है, अरे मेरे भाई मीनामार का नाम मतलब
तो यार बिना वार से तो पता नहीं आज तक ना उस मैप से कभी अटैचमेंट हो ही नहीं पाई। अब लोग इतने टाइम से हम लोग अपना पहले पबजी भी देखा करते थे, खेला करते थे कुछ कुछ टाइम, थोड़ा टाइम हम लोग बीजेवाई वगैरह भी खेला, लेकिन बिना मार को लेके ना इतने ज़्यादा अटैचमेंट कभी हुई नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा, या तो उस बेचारे का नाम ही ऐसा रखाया या फिर वो जगह ही कुछ ऐसी सी है। हेलो अनिमेश, कैसे हो, वेलकम। और वैसे भैया ये BGM कौन सी है? BGM? अरे ये BGMI है मेरा भाई, वो BGMI जो आपकी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है ना, पबजी वाली जो होती है वही है बस। हाय अनन, गुड। हाँ जी कहाँ, क्या हो गया रहमान? अरे उसके बारे में बात कर रहे थे जो भी मैप वगैरह के बारे में, कि मैप वगैरह जो आए हैं या थोड़ा बहुत जो। ओ यार ये क्या था यार, हम मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, इतनी देर बाद आ गया। अब इन लोगों ने अब मेहनत कर पाई है। ओहो चार्टर वाटर के साथ चलते हैं इस बार, टीम के साथ चलेंगे, टीम के साथ चलते हैं क्योंकि टीम वालों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। हाय नेम, गुड, चलो ओके आने दो जरा देखते हैं। नहीं नहीं बैकग्राउंड म्यूजिक कौन सी है? बैकग्राउंड म्यूजिक यार ये बड़ी अजीब सी गेम थी, मैं बताता हूँ तुम्हें किस नेम से। यार मेरे को यार मैं भूल जाता हूँ, मेरे को उन्होंने पूछा था, ये बताता हूँ तुम्हें कौन सी। यार ये वाली है यार, बताता हूँ तुम्हें, ये रुको मैं चैट पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, चैट पे लिख रहा हूँ, बाकी मरूंगा यार एक मिनट रुक जाओ, मैं एक बार तुम्हारे चैट पे लिखता हूँ, ठीक है ना, एक बार जरा राउंड पूरा हो जाए तो तुम्हें मैं चैट पे लिखता हूँ, ठीक है ना, मैंने कॉपी कर लिया चैट। ये क्या है, किसके लिए था ये? अरे ये किसके लिए था ये किसके लिए था यार? हाँ जी गुड, BGM मीन्स बैकग्राउंड म्यूजिक। हाँ ये वाला BGM तो है, ये वाला जो BGM जो बोलते हैं म्यूजिक वगैरह के अंदर, तो उसमें हाँ ये वाला कहा कहते हैं वो, है ना, गुड। हाँ ओहो ऐसा कुछ है क्या? हेलो मनन कैसे हो, वेलकम, आ गए। देखो चैट पे शेयर कर दिया, देखो चैट पे शेयर कर दिया, यही वाला है। हाँ जी गुड, हाय साहिद ब्रो, यो आ गए जी, यही है सभी साथ में, यहीं पे है मेरे भाई। BGM हाँ हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक कौन सी है? बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे भाई ये लगाइए जो अभी मैंने चैट पे शेयर करी ना, यही वाला है। एक बात पूरा एक्सप्लेन करके बोलते हो, ओह क्या बात है, यस माई डियर, किसी को भी उसके अंदर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो पर्सन फिर होता है कि वो पूछता है भैया ऐसा कैसे, ये कैसे या वो कैसे, तो ऐसे सवाल मन में आ जाते हैं। तो सवालों के लिए कोई अगर जगह ना रहे, इसके लिए हम चाहते हैं कि हाँ जिसका भी सवाल हो, जिसके मन में भी शंका हो, वो बड़े ना उससे घटाने का काम करना है अगर उन्हें कोई सवाल पूछा है। यार ये दो बार हो गया यार, ये मुझे पसंद नहीं है बंदा, क्या कर रही है ये क्या सहला रही है भाई बिल्कुल ना। ओ मनन और वॉच क्या बात है, एनिमेश ओयो का क्या है, आज कॉलेज से घर 8 बजे पहुंचा, 8 बजे पहुंचू, इतना लेट कैसे हो गए? अरे क्या चाहता है ये, ऐसे नहीं चलेगा यार सा काम। BGM लगाओ लेकिन कॉपीराइट क्लेम पड़ेगा। अरे यार कौन सा वाला कल की, अरे यार BGM लगा सकते हैं लेकिन एक्चुअली ये कॉपीराइट क्लेम नहीं, बिकॉज चैनल वगैरह पे ना यार एक्चुअली कॉपीराइट क्लेम लगाने में आने में कोई दिक्कत होती नहीं है, बट एक्चुअली क्या होता है कि चैनल का ना उससे इंप्रेशन खराब हो जाता है। मैंने देखा था मैंने कि जो मतलब कि जिस वीक में या फिर जिस उसमें मतलब कि चैनल वगैरह पे ज़्यादा क्लेम्स वगैरह रहते हैं ना, वहाँ का थोड़ा बहुत मतलब कि ऐसा ही चलता है फिर यूट्यूब की तरफ से। स्क्रोल करो माउस में, अरे हाँ यार स्क्रोल किया था मैंने यार, मैंने हाँ स्क्रोल ही नहीं करा मैंने, मैंने बाकी सब कुछ कर लिया माउस के साथ। कल की BGM और वॉच लेट से हो गया शायद, तुम्हें 8 बजे घर आते आते यार, एक टाइम था मतलब कि दिन में वही वाली बात है, 2 से 3 घंटे ऑनलाइन क्लास लेने में भी ऐसा लगता था यार कि सारा टाइम उसी में निकल जाता है, क्योंकि पेंटिंग इतना कर देते तेरे वर्क्स को, क्या बात है यार। जॉर्डर वॉच हाँ जी हाँ, कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास है, कॉलेज के बाद जिम, कॉलेज के बाद सीधा जिम चले गए थे। हाँ ये बात तो सही है यार, जिम वगैरह भी तो तुम्हारा कंटिन्यू है, तो तुम तो जिम तो पहले भी जा रहे थे ना, मतलब कॉलेज खुलने से पहले जा रहे थे, कॉलेज वगैरह जब खुले वो तो बिल्कुल अभी खुले हैं, मतलब समझ लो ये लास्ट वाले यही मंथ मंथ खुले हैं अभी। हाँ जी अभी सुन के आया, हाँ हाँ सुनो सुनो यार, ये मैं अब नफरत कर रहा हूँ इस बंदे से यार, ये इधर से क्यों आ रहा है हर बार, ये मुझे बेकार लगता है बंदा यार,
मस्त सुन अभी सुन क्या यार, मस्त था, अच्छा मस्त था ना, गुड। अरे अच्छा है भाई, हमने सुना था यार। और ऐसे कोई भी सॉन्ग्स वगैरह ढूंढते रहा करो, और एनसीएस वगैरह के हो या कोई भी हो, कॉपीराइटेड नॉन कॉपीराइटेड बता दिया करो यार, हम थोड़ा बहुत सुन लिया करेंगे। रात को सोने से पहले भी यार आधे घंटा गाना सुन रहा हूँ, आधा घंटा तो सुनते रहते हैं कोई ना कोई अपना, कोई क्योंकि हमें सुनाई देता ना गाना, ये जो गाना है ना सिर्फ आप ही को सुनाई देगा, हमें सुनाई देता है। टू 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 टू। हाँ कॉलेज के पहले जा रहा। हाँ कॉलेज से पहले से जा रहे हो ना, अच्छी बात है यार। वही है पता है, पहले भी यार मैं पता है शायद मैं भी अपनी याद है, हमारे टाइम जब हमारा कॉलेज वगैरह चल रहा था, हमारे फ्रेंड्स वगैरह भी थे, वो भी यही कहते थे ना यार, दो ही टाइम हमको मिलते थे, एक सुबह और एक मिलता था टाइम हमको मिलता था शाम को, वो यही यही वजह का टाइम था, 8 बजे का, मतलब या तो 8 से 9 चले तो चले जाओ, या तो खाना खाने के बाद चले जाओ, लेकिन वो खाना खाने के बाद जाने का ना वो रूटीन बन नहीं रहा था ढंग से। तो फिर हमने फिर थोड़ा बहुत टाइम, मतलब उससे नहीं किया था हमने, जब हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का टाइम था हम गए थे 2-3 महीने के लिए गए थे। पहले हफ्ते तो हालत खराब हो गई थी, पहले हफ्ते तो समझ में नहीं आ रहा था, कि 2 दिन तो मजा आता था, 2 दिन गए शुरू शुरू के, 2 दिन बड़ा मजा आता था। एक तो थोड़ा माहौल वहाँ थोड़ा सा देखने में थोड़ा खूबसूरत था, तो अच्छा लगता था कि हाँ भाई यहाँ जो भाई, मतलब कि अगला डंबल से बॉडी बने ना बने कुछ और, मतलब चीजें मजबूत हो जाएंगी, मतलब अंदर से मजबूत हो जाएंगे। और लेकिन फिर धीरे धीरे यार वही वाली बात है, मुझे नफरत है इस बंदे से यार, मुझे नफरत है इस बंदे से, मैं नहीं चाहता है मेरे पास भी आए। अरे ये सारे मेरे पास ही क्यों आ रहे हो, मैं पीछे पड़ गया यार। ओए तो उस टाइम तो यार वही है कि जाते जाते थे तो लगता था, फिर वो कोविड बीच में फिर कोविड वगैरह का भी चक्कर आ गया ना, फिर कोविड वगैरह आ गया, फिर हमारे अगलों ने फिर उनकी टाइमिंग ऐसी कर दी, हमारे कॉलेज की क्लासेस की, हमारे ट्यूशंस वगैरह की टाइमिंग ऐसी कर दी कि दिन में कॉलेज की क्लासें और रात को तुम्हारी उसकी क्लासें, पर्सनल क्लासेस वगैरह जो होती हैं उनकी, अपने ट्यूशंस वगैरह की। पंची एक बार कल की BGM सुनना, होश उड़ जाएंगे। ओहो होश खो बैठेंगे भाई, होश नहीं खोने यार, होश तो संभालने हैं। हांजी अनीश वेलकम, कैसे हो, हाय। चलो होश खोने नहीं है यार, होश को संभालना है, और देखते हैं क्या होता है। हांजी आई एम बोर। ओहो तुम बोर हो रहे हो, कोई नहीं अपन आ रहे हैं यार, अपन आ रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ इनसे वो करवाओ, सरेंडर करवाओ इनसे यार, मार दिया लोगों, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपन तो खेलना ही है यार अभी, अब तो अपन है काफी राउंड्स खेलने हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं कि आधे घंटे की स्ट्रीम, अपन इसलिए करते हैं कि स्ट्रीम इसलिए अगर होता है कोशिश करते हैं कि अगर 10 मिनट 15 मिनट अगर लेट भी शुरू हो, ऐसा ना हो कि हमको जल्दी क्लोज करनी पड़े। स्ट्रीम टाइम पर देखो सबको पूरा मिलता है कि नहीं। F5 दबाया मैंने और मान नहीं रहे, चलो छोड़ो अभी, रुक जाओ अभी मेरे में ऑप्शन दिखाता है, जब तक तुम्हें पसाते हैं ठीक है ना। चलो नाइस, और बताओ अनीश डिनर वगैरह हो गया अच्छे से। यार ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यार, ये इंसान भी यहीं से क्यों आता है मुझे समझ नहीं आया आज तक। ओ दो दिन पहले मेरा पैर थोड़ा मुड़ गया, पैर मुड़ गया, पैर कहाँ मुड़ गया आपका। एमपे वेलकम टू द स्ट्रीम, ठीक है। भैया आपके कितना वॉच टाइम हुआ है, वॉच टाइम होने वाला है थोड़ा थोड़ा बहुत और रह गया है अभी, अभी वॉच टाइम थोड़ा बहुत रह गया है अभी, बिकॉज थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, 1 मंथ के नियर बाय। हाँ जी चलो हो गया, 2% ने तो दबा दिया, तो अभी समझ लो ये समझ लो मन तो समझ लो जाएगा ही जाएगा अभी तो, बाकी अच्छा है थोड़ा बहुत तो यार देखो मिल रहा है टाइम, थोड़ा बहुत स्ट्रीम्स वगैरह कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हाँ आने वाले टाइम में हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाकी यार मोनेटाइजेशन को लेकर अगर करना हो ना मेरे भाई, तो फिर हमको पता है हम उन गेम्स को टारगेट करें अगर मोनेटाइजेशन को जल्दी कंप्लीट करना हो, जिससे कि हमको बहुत जल्दी वॉच टाइम मिल सकता है। बट फिर वही है कि फिर वो जो कहते हैं ना कि आपस में जो रिलेशन है वो फिर खराब होने लग जाएगा, क्योंकि तो फिर वो एज अ पता क्या लगेगा, फिर वो लगेगा कि हम बिजनेस एक्सपेक्ट से हम लोग सोच रहे हैं कि हमें अपना प्रॉफिट देखना है। देखो हमें प्रॉफिट देखना है, हमें अगर प्रॉफिट देखना है हम टेम्पल गाइज और अपनी जो भी माइनक्राफ्ट वगैरह की स्ट्रीम्स अगर हम सुबह करते हैं और रात में भी करें, अगर रात में भी करें तो सपोर्ट हमारा ऐसा हो जाएगा कि हाँ हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको कवर करने में, लेकिन हम ये जो लेके चल रहे हैं कि
आगे भी हर वो फ्रेंड जो आज तक जुड़ा हुआ है, शुरू से लेकर आज तक जुड़ा हुआ है, उसको थोड़ी बोलेंगे कि भाई आप सब कुछ छोड़कर वही देखो जो हमारी रिक्वायर हमारी जो चॉइस है, ठीक है ना। क्या देखा, बैन बिग बॉस ओपी और बॉट कैसे हो। तो ये हर चीज़ का ख्याल रखना मेरा बहुत जरूरी है। हाँ जी, प्रेस फोर एंड देन जी। अच्छा ये वाला, हाँ, समझ में आ गया समझ में आ गया। अरे आ गया आ गया। हाँ, चलो 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 चलो। हाँ रुको 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 रुको। लगा नहीं रहा बम। घर में ही टेबल थी, साइड हो और ट्विस्ट हो गया। ओह ट्विस्ट यार, हो जाता है यार, हमारे साथ भी होता है, मेरे साथ भी घर में कई बार होता है। मैं पता क्या होता है, मैं मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ बेड पे होता है सुबह। हमारे जो बेड है ना, वो बेड थोड़ा सोफा के साथ लगा हुआ है, तो जब भी मैं उठता हूँ ना तो मेरा बेड लगता है। कभी बार तो मैं गिर पड़ता हूँ, नींद में होता हूँ फिर लेट जाता हूँ। कहता है कोई बात नहीं, टोपी और वॉच। क्या कहा था, किसने मुझे तुम्हारे डिस्कॉर्ड का लिंक भेजा और फिर ब्लॉक कर दिया, फिर आपने जो वीडियो की नोटिफिकेशन टीसी में आई नहीं, और ऐसा कुछ पता नहीं, इस बारे में हमें जानकारी तो नहीं है, बाकी हमें जो भी होगा पता लगेगा, ठीक है ना। हाँ भाग रहा हूँ भाग रहा हूँ भाग रहा हूँ, हमें ही भागना पड़ेगा क्या अपने बम से बच के। फट गया, ओ बच गए। अच्छा हमारी हमारी वो नहीं जाएगी, कर नहीं जाएगी, लगन तो वैसे भी नहीं जाती मेरे पास। हाँ जी, प्रेस फोर देन यू गो। हाँ हाँ थ्रू आउट, यस यस यू आर राइट मेरे भाई। चल अच्छा है, और अब थोड़ा सा एडिशनल गन लेते हैं। ओके शॉर्ट गन भी बेटर है यार, शॉर्ट गन मुझे सबसे बेटर लगती है इस काम के लिए, क्योंकि क्लोज रेंज में अगला बंदा कभी भी आगे खड़ा हो जाता है, पता नहीं चलता उसका यार। चलो ओके चलो। ओहो ये तो यहाँ पर ही पता नहीं दीवारों में ही हाथ पांव मारने में लगे हैं, पता नहीं यहाँ से क्या निकालेंगे ये। हाँ जी, कोई OMG, अरे ये तो अपने मरण भैया है। और मरण भैया क्या बात है, जॉडी और वॉट, ये मुझे मारने को जरूर कोशिश जरूर करेगा, इससे मुझे देख लिया ना जाते हुए। ओके ओके नाइस। वो फ्रेंड लोग स्ट्रीम को देख रहे हो, सब चैट पर ऐसी मस्ती मजाक करते हैं, एंजॉय करते हैं, और कोई भी आपको बात शेयर करनी हो बिंदास शेयर करना, ठीक है ना। F5। हाँ भैया, आपने प्रॉल गेमिंग को जानते हो। हाँ, प्रॉल गेमिंग को जानते हैं, हमारे भाई हैं, जैसे आप सभी हमारे फ्रेंड हो वैसे वो भी हमारे फ्रेंड हैं। हाँ जी ज्यू पीटर, क्या बात है मेरे भाई, वेलकम, कैसे हो भाई। एक बार ईशान तुमने जन्मदिन की हार्दिक बधाई बोल दो। किसकी, ईशान। एक बार रुको रुको, चैट हमारी शो कर रही है, एक बार रुको, चैट ना रिपीट मत करना, बिकॉज एक्चुअल क्या है ना कि चैट जो वहाँ पे होती है ना, वो नाइट बॉट वगैरह चैट्स वगैरह रीड करता है, तो उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी फ्रेंड वगैरह को। ईशान तुम्हें जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं, ईशान तुम्हें जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। ओहो क्या बात, चलो बाकी देखते हैं ये हमारे जो भी भाई हैं, अगर किसी के यहाँ कोई ऐसा कोई, मैं जाता हूँ केव के अंदर। केव में लगाता मैं, और किसी को पता नहीं चलता कि मैंने कहाँ बॉम्ब लगाया है। बॉम्ब और वॉट, तुमने लगा दिया बॉम्ब, तो गेट तो खोलते, गेट को ले जा रहा है, तो हाथ छोड़ दे तुम, कोई बात नहीं मेरे को चल जाता है। हाँ जी, आपके सर्वर में डिस्कॉर्ड में, हाँ है वो हमारे भाई हैं भाई, वो जैसे वो भी थोड़ा बहुत स्ट्रीम्स वगैरह करते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद सर। अरे नो प्रॉब्लम, जो भी है पता लगता है, ठीक है ना। बाकी किसी के साथ मस्ती मत करना, और बस और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। चलो और बताओ जुपिटर कैसे हो, और अपने सब चैट पर ऐसी मस्ती मजाक करते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। और कोई भी आपको बात शेयर करनी हो बात शेयर करना। टीम में लोग सरेंडर कर रहे हैं, अरे पता नहीं यार, मैं करवा रहा हूँ कर ही नहीं रहे हैं यार, मान ही नहीं रहे हैं। अरे यू लूज, लग जाए आइडिया, हमें विन या लूज के तो खेलते नहीं भाई, वो तो हमारे फ्रेंड्स, अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो बिल्कुल हम सपोर्ट के लिए आपके साथ खड़े होते हैं, हौसला बढ़ाने के लिए। भाई स्नाइपर से बंदा क्या मार रहा है, मेरे को मेरी तरफ से थैंक यू बोल दो, कह रहे मरण को मेरी तरफ से थैंक यू बोल दो। अच्छा ऐसा कुछ है क्या, मरण भैया ऐसा क्या करने वाले हैं जिनके लिए उनको धन्यवाद बोला जा सकता है। चलो अच्छी बात है, बाकी जुपिटर 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 क्या हो गया, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है,
हम यहीं हैं। ओह क्या बात है, सही बात है मरण, दोस्तों का मिलना और साथ में सही मस्ती मजाक करना अच्छा लगता है, ठीक है ना। हाँ उम्मी, तुम्हारी कोई बात हुई थी क्या? है उम्मी, मुझे बताना ठीक है ना, तुम्हारी इस बारे में कोई बात हुई हो तो। हैं क्या करूं, नहीं मैंने बंद कर रखा, मैं नहीं आता। ले ले ये ले ले, लगाने वाला ले ले। हाँ ये ले ले, फेंकिया कैसे हैं वी, कहाँ गया, आ गया। हाँ जी, और वो कांट के लिए सॉरी, कौन सा कांट माइट शेयर भाई, बस दोस्त को दिखाऊंगा कि यूट्यूबर से बर्थडे विश करवाया। अरे नो प्रॉब्लम, यूट्यूबर नहीं है, बस बता देना मेरे मेरे अपने भाई हैं, मेरे अपने फ्रेंड हैं, ठीक है ना। और जब भी आओगे उनको भी मिलवाना, तो अभी उनको भी जैसे आप आते हो आपका वेलकम किया, आप सब जैसे मस्ती करेंगे उनको भी साथ में ऐड करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाकी जुपिटर काफ़ी अच्छा नेम अपना यूनिक, सोचा इसके पीछे का कोई कारण रहा हो जरूर शेयर करना, ठीक है ना। ओके हम आराम से बात करते हैं, ठीक है, चैट पे, और जिनको गेम वगैरह में इंटरेस्ट होता है अपना गेम वगैरह में अपना ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी कल की बात नहीं, आपने अच्छा किया, इतना अच्छा चैनल किया। ओह क्या ये भी ठीक है, ये भी ठीक है मेरे भाई, बस खुश रहो और ऐसे ही सब आगे ऐसे ही एक दूसरे में ऐसे ही प्यार बना रहे, ठीक है ना भाई। क्या हो गया मैं, ओके अब देख रहे हैं अभी। ओहो लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, ये स्टैंडिंग ही तो मरवाती है अगले बंदे को, ये स्टैंडिंग ही तो मरवाती है, देखते हैं। ओए पाजी, अपोनेंट नीड्स टू विन, अरे रुक जाओ यार क्या करें यार गेम पॉइंट दो ना, स्किन लाने वाला है, लाना है प्लीज। अच्छा ऐसा कुछ है, गेम पॉइंट्स कैसे मिलते हैं बता देना यार। ओके अरे यार ये तो बड़ा सा जा रहा है, वॉल है ये तो, बैरियर खरीद लेते हैं, बैरियर किस दिन काम आएगा, बैरियर और वॉच फुल फिलिंग चार्ज है हमारे पास। चलो और भी कुछ है इसमें लेने के लिए क्या, हैवी शील्ड, हाँ हम लोग ये लेते ही नहीं है, लेते ही नहीं है, देखते हैं कैसे सेव कर सकते हैं इस पॉइंट्स को। टू राउंड देखो, अब्दुल मियाँ बस बहुत करीब है इस मोमेंट के, और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करने, क्योंकि एक बार ज्वाइन कर लिया फिर बार बार का पंगा। अरे यार एक मारा हमारे लग गए, हमको पता है मेरे को कोई रैंडम बंदा मिला है टीवी के, उसको मैंने डीसी पे चैनल लिंक किया उसको, या वो कौन है पता है, ऐसा कुछ है क्या पता नहीं मेरे भाई, इस बारे में जो भी आपके बात होगी पता लगेगा। पैसा 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 तो माइडर हमने खुद नहीं लगाया, पता नहीं कितने साल हो गए किसी खेल में पैसा लगाया, हमको खुद ही बड़ा समय हो गया। चलो जिनको ज़रूरत होगी, जो जिनको उसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ आयोजन करेंगे उनके लिए, ठीक है ना, ताकि उनको जिनको तकलीफ़ है कुछ अपने जीवन को संवारने के लिए, उनको जीवन को सहारा देने के लिए ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक है ना। ओ बिग मैक बॉस, क्या बात है, नाम बड़ा यूनिक है ना, बिग बैंक बॉस, क्या है भाई क्यों चिल्ला रहा है, जरा रहा है यार। हेलो अंशु वेलकम, कैसे हो। अरे यार अगला मर नहीं देता। हाँ जी पॉइंट 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 रन बाउंड और आई एम इन लॉबी, अरे हम भी आ रहे हैं भाई, हम भी आ रहे हैं, बस देखते जाओ। ओ मुझे पता है क्या लग रहा है, ओ मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको थोड़ी ना माइक, जैसे हम लोग और वीडियोस वगैरह देखते हैं हमको और देखना पड़ेगा यार। बाकी किस किस नेम से यार बता देना, साहिद का तुम्हारा शेडो के नेम से था, और अब्दुल तुम्हारा किस नेम से था बताना मेरे को, ठीक है ना, नेम एक बार कंफर्म कर देना यार। गेट बंद कर दिया, गेट बंद कर, चुप हो जा, वो तो डायरेक्ट चिल्लाते रहेगा। हाँ आ तो गए मंजू आ गए, और दोनों ही आ गए, दोनों ही आ गए, दोनों ही आ गए। आई एम लोबी, लोबी और व्हाट हैं ने, अबे यार रुक जा भाई, ब्रीज डेथ मैच, ब्रीज ठीक है ना। अरे हाँ अरे तू गेट बंद कर रहा है बाबा, गेट छोड़,
हाँ जी मंजू, हाँ जी हाँ जी मेरे भाई, बस हो गई। हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही? हेलो 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 फ्रेंड्स, हेलो 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 हेलो, आवाज़ नहीं आ रही यार उनकी, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी ओपे मरण भाई, वो नहीं था जिसको चैनल तुम्हें लिंक दिया। क्या क्या स्टेट है? अरे वो ठीक है, पर आवाज़ की सैगिन की आवाज़ नहीं आ रही। कि बोले अभी कैसे हैं तो मेरे को आवाज को आए, मैं तो बोलूं, मिला तो जाए। कैसे हैं उनका कैसे अब तो यहाँ तो भाई तो लॉबी बात नहीं हो पाएगी। फोन पे क्लिक करो यू वी हेलो 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 फ्रेंड्स, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, पहुंच गई भाई, पहुंच गई पहुंच गई। अरे करो स्टार्ट। ओह अरे यार, ये तो डबल डबल जा रहे हैं, मुझे लग रहा है। पता नहीं, डेथ मैच तो होता नहीं वैसे। ओपन माइक, अरे ऑन है माइक यार, ऑन है ऑन है। तो गेट क्यों बंद कर रहा है? मेरे को दम घुट के मारना चाहता है। छोड़ दे, नहीं आदत से नहीं, मेरी तेरी आदत के चक्कर में मैं नहीं पड़ जाऊँ। एनीवे बंचा इज प्रीमियर ब्रो, और मैं सॉन्ग सुन के आता हूँ। सॉन्ग सुन के आते हो क्या? बताना मेरे को कैसा रिस्पॉन्स उसका है, फिर हम इधर ट्राई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, डेथ मैच है, डेथ मैच है, और ये शुरुआत हो गई है। बस ऐसे ही स्टार्ट करते हैं आराम से यार, और प्रैक्टिस हम लोगों ने शुरुआत कर ली है, तो मुझे लगता नहीं कि अभी तक जितनी हमने प्रैक्टिस करी है वो कम है, कि जो भी प्रयास है अपनी तरफ से हम पूरा करने वाले हैं। ओके नाइस गुड। ओए भाई ये तो आवाज़ बहुत जोरदार आई। अच्छा, एक तरह से उन लोगों ने ऑटोमेटिक बनाया हुआ है वहां पर। वार्म अप, मरा मरा कोई मरा ये तन में भाई, और रह गए बस वो कोट, अपना टीम पूरी जाती। भागो, दो आ गए। अरे भागो रे, दो आ गए। ओए हेल्प, हेल्थ लेने के लिए कूदा, अगला वापिस नहीं आया। यस ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। क्या लिखा मैंने? सही तो लिखा, ऑल द बेस्ट फ्रेंड लिखा, देख एंटर दबा के लिखा है वहां, देख। अरे यार आप ठीक है? ओके बाहर निकलो, बाहर आओ फ्रेंड्स, वी आर वेटिंग, वी आर वेटिंग। भाई 3 पॉइंट पे कौन चल रहा है इस समय यार? ओ क्या मारा क्या? हाँ हाँ मैं समझ गया, चिंता मत कर, अभी आएंगे, नंबर लगाएंगे, अभी नंबर लगाएंगे एक एक करके सबका। अभी बाबूजी को जरा समझ लें एक बार, क्या चाह रहे हैं आप हमारे साथी? ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, आया। ओहो ये तो फुट स्टेप आ रहे हैं क्या मेरे, जब तो किसी शिफ्ट जाके चलने के बाद भी। अरे रुक जा यार, ऐसा तो भैया हम लोग जूते हाथ में लेके भागे क्या? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी देखते हैं कहाँ से बचते हैं। चलो नाइस, और फ्रेंड जो स्ट्रीम को देख लो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, अच्छा वेलकम वगैरह करके अपने हाय हेलो करके सब लोग आराम से आगे आगे सही फ्रेंड के साथ आगे बात कंटिन्यू करते हैं ना। नीचे आई तो नीचे है, पता लग गया मेरे को। क्या बात है भाई, ओए ये कौन था? किल्ड बॉय ओपी, और इधर देखते हैं। ओ यार ये तो गड़बड़ है यार,
अरे क्या कर रहा है, बात तो सही सही है यार। मार खाने वाली बंदूक ले रखी थी। हाँ जी एकदम झकास रैप सॉन्ग है एनवे का न्यू सॉन्ग। अरे तू देख ये लो फैंटम फैंटम ये वाली। ये लो अगला सब कुछ करके देख लिया, लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ करके देख लिया, बंदा मरे ही ना, बंदे का समझ ही ना है, पता नहीं क्या लगा क्या है पीछे अपनी। अबे यार ऊपर चढ़ गया क्या, तवा बांध के आए हो क्या, गलत पंगा हो गया लग रहा है फ्रेंड्स, गलत पंगा हो गया हमारा। और देखते हैं हैकर और एनिमी बंचाई मालूम है ना। अरे एनिमी आई वॉच, अभी तो देखते हैं कहाँ चुप गए, तो बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। ओ क्या मार रहे हैं यार, बख्शने के लिए कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा दोबारा आपको। राइट सर, अरे ये तुम हो क्या, नाम जल्दी लिखा नहीं आ रहा है यार, मैं आपको टीवी पर देख रहा हूँ। ओह क्या बात है, हमारे टेलीकास्ट हो रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। बाकी क्यों करवा रहे हो ऐसे टेलीकास्ट, ओके। अब भाई ना बात, अब भाई बात बहुत देर बाद जाके, अभी तक तो हम बस चला रहे थे। एनिमे पंचायत मालूम है ना, न्यू सॉन्ग सुना है ओपी है यार, बिल्कुल खबर तुमने पहुंचा दी है तो जरूर हम भी उस तक पहुंच ही जाएंगे यार। पर यार कैसी आवाज आ जाती है तुम लोग, सब जानते हैं वो, सब जानते हैं कौन कहाँ है, कब किसके साथ कैसा खेल परिवर्तन करना है। देखते हैं क्या चल रहा है इनका। हाँ जी और बताओ हेरी कैसा चल रहा है, टीवी में अच्छी क्वालिटी 1080p 60 FPS से ज़्यादा तो मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है, इससे ज़्यादा ज़्यादा करोगे तो कंप्यूटर की भी लग जाएगी और तुम्हारी भी देखने के बाद आंखें बाहर आ जाएंगी। अगला 4K में मार, कह रहा पहले कहता पहले 480 में मार पड़ती थी, अब 1080 में मार पड़ती है, फ्यूचर में 480 4K में मार पड़ेगी। कह रहे कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती, माँ का प्यार, भाइयों का गेम प्ले। अरे छुप गए हैं क्या, बस सब कैंपर हो गए क्या, घर बना लो यहाँ पे तंबू डाल के अपना, बस सेंटर में क्या रहो, है ही कोई नहीं, लड़ी कोई नहीं रहा आपस तंबू डाल के बैठ जाओ ना, मैं तो कहता रहा हूँ। ओ तंबू डाल के बैठ जाओ, बन जा रहा दिल मेरा बन जा रहा है। कोई है कोई है कोई है कोई है, गॉड योर वॉच। अब आएंगे धीरे धीरे, अब धीरे धीरे इनकी सेवा बढ़ाई जाएगी, पहले हल्का टीका लगा था अब मोटा टीका लगेगा। बम पैरा बम पैरा बम पैरा बरा बम पैरा बम पैरा बम पैरा। हाँ जी के ओ क्या बात, अरे यार मेरा बंदा, अगला बंदा को गम लग जाती है पैरों में जब भी। अरे मैं पॉइंट देने आया हूँ क्या इनको, पॉइंट नहीं दूंगा यार, ये कुछ गड़बड़ है यार, ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ, ऐसे करोगे तो फिर वही। और कितना डैमेज है, जॉडी मतलब, जॉडी मतलब हार्ड एकदम, होता है ना स्वैग, ये होता नहीं था, हार्ड ही बोलते हैं, हार्ड ही स्वैग को स्वैगी बोलते हैं, तो हार्ड को हम जॉड को जॉडी बोलती है हमने, जॉडी। ओके 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 फ्रेंड, यहाँ पर जो खेल चल रहा है ये समझ में आ गया कि ये कस्टम वाला खेल तो है नहीं, इनको जितने हमारे खतरनाक खिलाड़ी हैं
इनको तो लड़वाना चाहिए एनिमी के साथ। जब तक ये एनिमी से लड़ेंगे नहीं तब तक उनमें आनंद नहीं रहेगा इन बातों को लेकर। आ रहा एक बार। ओ यार, अरे रिलोड भी नहीं करने देते। अरे भैया साहिब भैया तो हम लोगों ने लगा दी थी, साहिब भैया की तो हम लोगों ने लगा दी थी, लेकिन अगले पीछे से कोई और हाथ बढ़ाने के लिए आ गए और हाथ बढ़ाने की जगह ओ कैंपर और व्हाट, कैंपर नहीं है ये तो, धरती खोद के ना चले जाए नेवलों की तरह इतने खतरनाक तरीके से घुस जाते हैं दीवारों के अंदर। हाँ हाँ ठीक है, बहुत हार्ड। भाई क्या चीज है भाई, अगला बंदा डर डर के चलेगा क्या? जी हाँ जी हरी, क्या हुआ? चलो किल तो आया। अरे भागो रे। हालत खराब है इस समय। ओहो मछली क्या खा रही है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है? अरे खत्म कर लो 10 सेकंड्स को भी यार, 10 सेकंड्स में क्या हो जाएगा देखते हैं। ओहो हाँ पता लग गया भाई, नमन भाई कुछ भी बोलो चाहे तो फेमस रिप्लाई। ओ प्योर व्हाट टैटी टैटीज टैटीज, ओह क्या बात भाई। तो पता लग गया हमें कि कस्टम वाला खेल तो बेकार है इनके साथ खेलना, और इससे अच्छा स्पाई क्रश खेल लेते हैं अगला कम से कम है। स्पाई क्रश आप नहीं खेल रहे, वो इतने अच्छे खिलाड़ी हैं इनको हम लोग वहाँ समय खराब करेंगे इनका है। अरे छुरा छुरा छोड़ो यार, क्यों कॉम्पिटेटिव खिलाए क्या है? छोड़ना, जब बंद हो गया तो फिर छोड़ दो है। नहीं यार फिर लंबे लंबा गेम हो जाएगा, फिर हम भी थकने लग जाते हैं देख देख कर। हाँ जी साहिद भाई बिल्कुल सही बात है मैं क्या, जब इतने हमारे पास तेजस्वी लोग हैं तो उन तेजस्वी लोगों को साथ में लेकर अपने ही साथ एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए, ना कि एक दूसरे के प्रति ही हाथ साफ हो जाए नहीं बेइज्जती नहीं है मेरे भाई, हम तो चाहते हैं कि हमारे भाई अच्छे से खेले एंजॉय करें, हमें भी अच्छा लगता है उनको ऐसे खेलते हुए देखकर। लेकिन यार फिर थोड़ा सा लगता है कि यार हम इतना अच्छा खेलते हो तो यार आपकी जो क्षमता है वो छुपनी नहीं चाहिए, वो हर किसी तक पहुंचनी चाहिए कि जो आपकी गुण है। हाँ जी कभी शेड्यूल में COD भी जोड़ दिया। हाँ हाँ यार कर देंगे यार, COD का भी जोड़ देंगे यार, फिक्र मत करो। COD का यार लाने के लिए ना मैं चक्कर में हूँ अभी, मैं पता क्या है? मैं ना मरण इस समय चक्कर में हूँ कि तुम्हारा जो COD वगैरह की स्ट्रीम्स वगैरह करने के लिए ना मोबाइल वगैरह से करी जाए यार। अब मैं इस चक्कर में हूँ कि मोबाइल का कुछ जुगाड़ किया जाए कि उसको स्क्रीन कैप्चर वगैरह करके किया जाए तो ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस आएगा। बट वरना तो अगर मोबाइल वाला ही वही वाली बात है, गेम है उसको इन्जॉय करना है, बेइज्जती नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं, बेइज्जती नहीं होती यार, बेइज्जती देखो बेइज्जती हाँ होती है जब आपने कोई ऐसा कोई शर्मनाक काम किया हो। यहाँ हमने कोई शर्मनाक काम थोड़ी किया है, अपने अपने साथियों को बस साथ दिया है और हमें इस बात को देखकर खुशी है यार, हमें इस बात की खुशी है अंदर ही अंदर कि हाँ हमारे साथी जो खेल रहे हैं अंदर से भी बाहर से भी ऐसा कुछ नहीं कि हाँ अपनी जगह वो एंजॉय कर रहे हैं। अरे मरता क्यों नहीं है रे, अब भाई अंधा किसने कर दिया हमें? एक कानून थोड़ी है यहाँ पर जो अंधे हो गए हैं। ओ यार काम का क्या तरीका, तो यार काम कर गया भाई तरीका, तो यार
ये क्या बात है, ये तरीका तो काम कर गया। रिलोजिंग और वॉच। सही बात। अभी देखते हैं। ओ ये क्या छोड़ा इन लोगों ने, वो ये कैसा सा बन के बैठ गया देख रहे हो, अगले को पता ही नहीं चलेगा। स्ट्रीमलाइन मेरा डायलॉग चुरा लिया। ओह स्ट्रीमलाइन तुम्हारा डायलॉग चुरा, ये भी ठीक है मेरे भाई। वो तुमसे चुराया नहीं, वो तुमसे सीख गया होगा। वो कहते हैं मरन भैया क्या दोहराते रहते हैं, जरा मैं भी पढ़ के देखूँ। फिर उसे पढ़ते पढ़ते अच्छा लगा, उसने इसको अपना लिया। मरोगे सालो, तुम्हें उड़ा देंगे। क्या मारा यार, अरे यार मुझे ही पड़ गया। अब बोल रहा है उठा ले रे पापा। उठा लो फिर, अगर इतने प्यार से बोल रहा है तो फिर उठा लो। ओहो भाई बॉम्ब बहुत सही लगा रहा है, कुछ भी करो। अरे यार लग गए। अरे क्या है ये, उंगली मशीन तो नहीं पकड़ा दी हमारे हाथ में। नाइटवर्ड मेरी मन तेरे बात मानने लगा। अरे क्या बात है, नाइटवर्ड तुम्हारी बातें मानने लगा है, इसका मतलब तुम्हारी बातें उसे अब समझ में आ रही हैं। बड़ी खुशी है इस बात की। तो जॉर्डर वॉट भाग रहे भैया, भागते क्यों नहीं, भागोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। गया। अरे 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 ये क्या है, इतनी अजीब सी दिवाली कौन बनाता है। लेकिन मैंने मारने से पहले बंदा मार दिया, मुझे बाकी खुशी है। मैंने मारने से पहले बंदा जो मार दिया, मुझे उस बात की खुशी है। जॉर्डियर वॉच कौन चल रहा है, अलेक्सा। अलेक्सा कौन है यार, पम परम चिक्की पम परम चिक्की पम परम 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 पम परम पम 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 पम। चलो ओहो, मारता 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 मारता। इनकी आवाजें क्यों नहीं आ रही है, बोली कुछ नहीं रहे मेरे ख्याल से। अबे दो बार हो गया या सेम, कल ट्रिपल आर आ रही है। हाँ मेरे भाई कल ट्रिपल आर आ रही है, देखते हैं यार बाकी, देखते हैं ट्रिपल आर कैसा। मतलब कि रिस्पॉन्स तो अच्छा ही रहेगा वैसे, मैंने रिस्पॉन्स तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि बहुत एक कह सकते हो कि एक सीनियर इस नॉलेज है उनको इस केस में। हाँ जी पाजी बोलो। हाँ जी पाजी आ रही है। कब आ रही है, कल तो नहीं आ रही मेरे ख्याल से, वो टाइम है मेरे ख्याल से, मैं तो रहते अभी टाइम है। वो तो 14 तारीख को आ रही है ना, कहते 14 अप्रैल कुछ को आ रही है, जितना मुझे ध्यान है। बाहुबली के बाद, बाहुबली के बाद एक साउथ इंडियन का मतलब, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि लेके आ रहा है, एक बहुत बड़ा है, कहते हैं कि एक हाइप लेकर आ रहा है। और अगर ये हाइप अगर मेंटेन हो गई ना, तो मज़ा जो है और आ जाएगा एकदम। ओके बॉम्ब डिफ्यूज करो। अरे बॉम्ब चल चल चल, अच्छा ये वाला माइक कौन से एनिमी के पास बात चली जाती है ना, और ये वाला हमारा वाला है। 27 मार्च को KGF 2 ट्रेलर और 14 मार्च को अप्रैल को थिएटर्स में। हाँ यार यही बात लग रहा था, ऐसे कुछ चल रहा है। चलो होगा यार बढ़िया है, कोई दिक्कत ये तो इसके लिए तो इंतज़ार है ही यार, इसके लिए तो इंतज़ार है ही। बाकी
स्नाइपर फाइट चल रही है यहाँ पर यार, यहाँ स्नाइपर फाइट चल रही है। हाँ जी यस मेरे भाई, बाहुबली के उसने बनाई है। तो एक्चुअली यार वो है भी यार, मतलब वो पुराने मतलब कि उन्होंने ऐसा करके दिखाया है काफी बार। अरे यार चाकू ही मार गया अगला। अगला चाकू ही मार गया, क्या करें, मर जा रे। अरे भाई ओ भून दिया यार। अबे क्या चल रहा है यहाँ पे, डुम्बाबा चल रहा है। पंची हेलो अयान वेलकम, कैसे हो, जा रही वॉच। अभी देखते हैं, अभी देखते ही, अभी देखते जाओ बच्चों, क्या हम यहाँ पे चमत्कार करते हैं, चमत्कार आपके सामने होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जी राजमौली ने बनाई थी भैया। हाँ जी मेरे भाई, इसी को लेकर तो यार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। देखो यार अच्छा रिस्पांस आएगा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ट्रस्ट है यार, मतलब कि एक नाम के साथ कि हाँ अगर ऐसी कोई मूवी जिसमें कि आगे समझ नहीं आया करके आ रहे हैं अगले यार। ओहो लगा दी यार, मार दिया कि ला गया मेरे को। ओ पंची हाँ हाँ चलो, और बताओ यार कैसे हो, डिनर वगैरह सब अच्छे से हो गया। चलो और अपन सब चैट पर ऐसी मस्ती मजाक करते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है, कोई भी खास खबर हो कोई भी नहीं जानता, बिंदास शेयर करना। यो ओपी 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 यार, ये तो खेल संभालने का है, ये तो जो खेल है संभालने का है। देखते हैं कैसे अपने आप को उस संभालते हैं यार। अरे यार ये तो थोड़ा आगे जाना पड़ेगा इस तुम्हें यार, इस काम को पूरा करने के लिए आगे जाना पड़ेगा। कैप्चर्ड, बी जाना है, बी 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 बी, हम आ रहे हैं। अबे ये क्या हुआ, उसको चिल्ला क्यों रही है वो पीछे से। कश्मीर फाइल 13 दिन तक लगी, हाँ मेरे भाई 13 डेज तक लगी और काफी अच्छा रिस्पांस भी रहा। और अभी भी कुछ थिएटर्स वगैरह में लगी हुई है यार, हमारे यहाँ पे कुछ थिएटर्स वगैरह हैं वहाँ पे अभी भी लगी हुई है। देखो अच्छा चल रहा है रिस्पॉन्स अभी तक तो यार। DDLG कितने साल तक लगी थी पता है, DDLG कितने साल तक लगी थी ये नहीं पता यार, साल का नहीं पता यार, ये नहीं पता कि उसको कितना समय बाद में हुए, कहाँ है ये। हाँ, जा रहा हूँ, हो गया मैं, हाँ हो जाएगा फिक्र मत करो। ओ मैं निकला वो गड्डी लेके रस्ते पर, एक मोड़ आया उत्थे गड्डी छोड़ा। DDLG 2 साल तक लगी थी, ओहो 2 साल तक तो अच्छा समय लग गया, अच्छा समय मिल गया, ये भी ठीक है, मजा आया सो। ओ अगला टच करते ही मैच फोन लगा रखा था नंबर इन लोगों ने मार। अभी तक तो आके जूते भी नहीं उतारे होंगे, दोबारा दौड़ लगा दी, जा रही है वाच। ओहो, इसके तो अगले ने बाल ऐसे कटवा रखे हैं, तोते जैसे बाल कटवा रखे, गायब हो गया। पम परा पम 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 परा पम पम परा रम पम पम परा रम परा रम। ओ जी 22 साल तक तो लगी थी, 22 साल तक लगी, इतने साल लगी यार, इतने साल तक हुई लगती है कोई फिल्म। उनका क्रेज तो रहा था वो अलग चीज है, वो उस समय तो क्रेज रहा ही था यार मतलब उस समय क्या होता था एक्चुअल में, इन मूवीज का क्रेज बहुत ज्यादा था, क्योंकि इसमें क्या होता था कि एक पूरी फैमिली एनवायरनमेंट दिखाया जाता था कि कैसे कैसे फैमिलीज के अंदर मतलब कि होते हैं भाई चाचा ताऊ और उन सब के बच्चे और खुद के बच्चे, मतलब ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाती थी। मतलब चलो
शादी वादी तो होती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अच्छे भी थे, मतलब सब कुछ था प्रॉपर, एक फैमिली पैकेज, मतलब फैमिली मूवी नहीं होती थी, वो मूवी ही पूरी फैमिली को बनाई जाती थी, तो इसलिए उसे फैमिली पैकेज मूवी कहा जाता था। पैकेज और बहुत स्पाइक रश और वॉच आ गए हैं, बस देखते हैं। स्पाइक रश बेटर है, अगला कम से कम खत्म तो होता है, वो तो दूसरा खत्म ही नहीं होता। पम 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 ओ हाथ में आ गया भाई। अरे मार दिया यार उसके, मार दिया, यकीन नहीं हो रहा, गूगल पे देखो ऐसा। यार यकीन वाली कोई बात नहीं, यकीन तो तुम्हारी बात का है, लेकिन यार आई एम सरप्राइज्ड इतना लंबा समय। सेज सेज कौन है, मैं तो नहीं हूँ भाई। सेज और वॉर्ड, ये तो ले जा, ये ले जा, फेंकता क्यों नहीं है, जी दबा रहा हूँ। बच गया बच गया बच गया, अरे गिर दिया यार। पहले अपने खिलौने भेजते आपके पास, फिर खुद आ जाते हैं। और डीसी में भेजता हूँ, रुको स्क्रीनशॉट भेज, क्या ये तो कहीं भेज। नींद आ गई आज, मार दे मार दे। ओहो क्या बात है क्या बात है, ये गलत है यार, ये हमारे पास क्यों नहीं होता ये फेंकने वाला, अपने बंदों को ही मार रहा है। अरे ये फेंकने वाला हमारे पास क्यों नहीं आता, भाई फिर मेरे पास है वो चार, क्या दबाना है फेंकने के लिए, क्या दबाऊं, सबके पास है, क्या करोगे लेके। कुछ नहीं, गायब हो गया वो। अबे यार जिसे मारना था वो मरा नहीं, अगला दूसरा गायब ही हो गया, गलत बात। गंदी 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 बात, गंदी 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 बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात। डिस्कॉर्ड अभी चेक करते हैं माय डियर, अभी चेक करते हैं, बताते हैं तुम। ये तो गुंडा भाई ने, ये तो गुंडा भाई ने भेजा, तुमने कहाँ भेजा, तुमने कहीं उसमें भेज दिया क्या, जनरल भेज दिया, अरे तुमने जनरल भेज दिया, वाओ। डीडी जनरल डेटा में कितने दिन था, 22 साल के लिए इस थिएटर, 22 साल पहले, 22 साल पहले होगा मेरे भाई वो, देख देखते हैं। अरे मुझे अंधा करने लगे हैं यार, मेरे को अंधा करने लगे हैं। अरे तो पर्सनल में भेज देते यार, ऐसी क्या बात। अरे मर ही नहीं रहे, इतनी गोलियां मारने के बाद भी नहीं मर रहे यार। 22 साल से इस थिएटर में चल रही है,
अच्छा 22 साल से थिएटर में चल रही है ऐसा कुछ। वाह हाँ, मतलब अभी भी थिएटर में लगी हुई है ऐसा कुछ है यार। और वो अभी भी उसका उसका मतलब पता है क्या है? उसका मतलब ये है कि अभी भी लगी हुई है। अब यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, सोचने वाली बात। जोड़ा लौट आए पूरे अंकों के साथ। मैं कह रहा हूँ भैया लौटा है पूरे अंकों के साथ, पूरे अंकों के साथ लौटा है। अबे काम कर रहे ना, एक पगला के लगाते हैं अनरेटेड, गेम लंबा जाएगा आराम से खेलेंगे। और क्या, कोई बात नहीं, थोड़ी देर खेलते रहेंगे। और क्या, लॉबी में तो नहीं आना पड़ेगा बार बार। लगा ले, एक आवाज ही नहीं आई है तो ये उसके लिए, उसके उसके लिए नहीं बनी ना वो। इनका हेडफोन जैक होता है, उनका हेडफोन जैक नहीं होता, उनके ऑक्स होती है, तो पहले ऑक्स लगाना पड़ेगा फिर लगेगा उसके अंदर। कौन से वाले? उसका लिखा ऑक्स थी ना। 1995 को रिलीज हुई थी और 22 साल तक चली थी, अभी नहीं लगी, ऐसा कुछ है क्या? पता नहीं यार, 22 साल तक चली है तो कमाल है। पता नहीं कौन सा ऐसा देश का कौन सा हिस्सा होगा भाई जो इतना इसको प्यार दे रहा है, अपना पसंद कर रहा है। हाँ जी अब्दुल भाई धुलाई कर दिया, अच्छे से हैं, मज़ा आ गया, पूरे अंकों के साथ वापस आए हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हेलो टेसालीन, हाय वेलकम, कैसे हो? हाँ जी अच्छा पता नहीं मेरे भाई मोबाइल दादा तेरे कहाँ कहाँ घूम के गया है। नाइस, हेलो टिस्सा, हाउ आर यू, वेलकम टू द स्ट्रीम। चलो वी आर इन, अभी तरह देखते हैं बाकी साथियों का भी हाथ बढ़ाते हुए। जी क्या लिखा था, अठारह वाला सॉन्ग निगत अब्दुल तारिक रहमान पंकिन है, अब्दुल थाही बैकग्राउंड कौन सी है, एनिमेश बाय वाई टी मीन्स बैकग्राउंड, आज ओयो गए थी तनीश, ऐसा कुछ है क्या? पाओ जोड़ योर वॉच। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। अरे पता नहीं शाहिद भाई कहाँ कहाँ चला जाता है। हाँ तो वो यूएस होते हुए मुंबई आया होगा। लाल इतना कुछ, इतनी जानकारी तो अभी तक हम भी लिखित रूप से जमा नहीं कर पाए जितनी हमारे अब भैया ने जमा कर दी है, तो महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तो बाकी फ्रेंड्स वगैरह इस स्ट्रीम को देख रहे हो, अपन सब चैट पे ऐसी मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, कोई भी खास खबर हो, कोई भी खास जानकारी बिंदास शेयर करने के लिए। टेन 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 टेन। अरे मरण भैया क्या बात हो गई, ऐसे तुम्हें क्या चीज याद आ गई मेरे भाई जो तुम्हें जाने की इच्छा मन में प्रकट हुई, आंखों में मेरी अजीब अजीब सी झपकियां हैं, कहते हैं झपकाए हैं, झपक रही हैं, झपक रही हैं आंखें, तो यार फिर इसका मतलब कुछ और भी रीजन हो सकता है कि कोई आपको याद कर रहा है, कह रहा होगा मेरे मनन ने ताना ताया नहीं खाया, मेरे मनन ने अभी तक तोया नहीं तोया, मुंह में सर्वर सेलेक्ट करना पड़ता है। पता नहीं मेरे भाई सेलेक्ट तो किया था यार, सेलेक्ट तो वही चल रहे हैं, सर्वर तो वही चल रहे हैं मेरे भाई। और देखो ना पिंग हमारी कितनी आ रही है, मेरी पिंग आ रही है 23 की पिंग आ रही है, इससे कम तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता। देखो 23 की पिंग आ रही है मेरे भाई, इससे कम क्या ही। लव ओह लव,
नींद आती है, हम सोते हैं, हम चलते हैं। अरे क्या देख लो वरन भैया, 1 बजे तो हम भी हैं, उसके बाद तो हम भी किसी को नहीं रोकते। 1 बजे बाद तो हम भी किसी को नहीं रोकते। अगर आराम करना है तो करो यार, सेहत, अगर सेहत को लेकर रेस्ट करना है करो, बाकी अगर और कोई काम है जो जरूरी है बिल्कुल करो ना, ठीक है ना। अगला मरता क्यों नहीं, अरे स्पाइक प्लांट करती हूँ यार, पागलों ने स्पाइक ही प्लांट कर दिया, दूसरे बंदे को क्या बोले। ओहो लड़की कैसे कर रही है, लड़की कैसे कर रही है, जैसे किसी को किसी उसके बाजुओं को पकड़ के उसको। ओए गलत बात है भाऊ, मैंने अपना आदमी अपने आंखों के सामने उड़ता हुआ देखा है, मर गया मैं भी, मर गया, बचा ही कुछ नहीं। अगले बंदे बम लगाते रह गए, अगले बंदे बम लगाते रह गए, मौका ही नहीं मिला, मौके ऐसे ही गवाए जाओ जीवन में तो कैसे चले। चलो कहीं वक्त मिले तो वो कोड जरूर डालना। हाँ यार बिल्कुल यार, लाल नहीं है यार, शेड्यूल में चल ही रहा है, ध्यान में यार बस वही है कि छोड़ नहीं सकते मेरे भाई इन चीज़ों को, और अपने अपने भाइयों को जो वो चीज़ें वो अपनी बात को शेयर करते हैं, उन बातों को संभाल के रखते हैं, ठीक है ना। हेलो टैमी वीर जी, सत श्री अकाल जी, कैसे हो, वेलकम जी। अच्छे मेरे भाई आप बताओ कैसे हो। मैं आज स्ट्रीम में देख रहा सी, मैं सैम खेल रही थी, मैं क्या चलो खेलते हैं आज आराम नाल, तो उसकी प्रैक्टिस चल रही थी, मैं क्या कर ले आराम नाल आज। चलो और सब वधिया जी, मैं तो बिल्कुल ऐसा हो गया, बस गप्पे शप्पे मार रहा सी फ्रेंड नाल, मैं क्या चल यार। तो वीर जी आगे थोड़े खड़े हो जाओ, हाँ ओके, शॉट आया वापस चला गया, शॉट आ गया, बढ़िया चला गया। वॉर नहीं कॉर्ड, अरे पता है मेरे भाई कॉर्ड, कॉल ऑफ ड्यूटी और वॉर। और बढ़िया आप बताओ हंची, अच्छे हैं मेरे भाई, बढ़िया हैं। चलिए और हो गई स्ट्रीम एंड हो गई क्या, एक मिनट देख दूँ यार, हाँ स्ट्रीम एंड हो गई। चलो और किवे चल रहा है, सब बढ़िया, हाँ जी ओके जी ओके, चलो थैंक यू फॉर कमिंग मेरे भाई, आप आते हैं बहुत अच्छा लगता है, मिलते हैं अपनी सभी भाइयों पर अपना से ही प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखें मेरे भाई, आप ही से सीखते हैं और आप ही को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, क्योंकि तो आपको आगे बढ़ते हुए देखकर हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम जो अपनों से सीख रहे हैं हम सही चीज़ें, हम उनसे नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी ओके ओके, जॉर्डन वॉट आओ जरा, अटैक कर दिया, अटैक 2 ओवर्स की करूँगा अब, रेगुलर ज़्यादा नहीं करूँगा। अच्छा हाँ ठीक है, देखो डिपेंड करता है, फ्रेंड वगैरह आ जाते हैं ज्वाइन वगैरह करते हैं आराम से। चलो और वधिया, और हो गया डिनर वगैरह सब वधिया नाल हो गया, चलो नाइस, चंगा चलो चंगा, ख्याल रखो। अभी हमारे पास मौका है और ज़रा देखते हैं कुछ ना कुछ, हम भी कोशिश करते हैं, ठीक है ना, मैं साथियों का हाथ बटाने की। ये आ गए नाइस ओके, सरेंडर सरेंडर नहीं करेंगे, पूरा अपनी तरफ से पूरा अपना कोशिश करेंगे कि जैसे सिचुएशन को संभाल सकते हैं उस सिचुएशन में अपना बेस्ट देंगे, ठीक है ना। कॉर्डर वॉच, हाँ ये अच्छा है ना कॉर्डर वॉच, गुड। हाँ जी अभी किया डिनर, आप बताओ आपने डिनर कर लिया। हाँ जी मेरे भाई डिनर करके अपने नाइट शिफ्ट में बैठते हैं, दिन में भी थोड़ा बहुत अभी टाइम वगैरह दे रहे हैं बिकॉज थोड़ा बहुत स्टडीज़ वगैरह करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम वगैरह मिलता है तो दोपहर में भी थोड़ा 2-3 घंटे स्ट्रीम कर लेते हैं, और रात को सोने से पहले भी थोड़ा सा 1-2 घंटे अपने भी फ्रेंड्स वगैरह साथ बात बात करके इन्जॉय वगैरह करके, जिनको थोड़ा बहुत साथ में गेम वगैरह ज्वाइन करना होता है उनको ज्वाइन करवा के फिर अपना फिर हम बस समअप करते हैं, ठीक है ना। चलो नाइस देख रहे हैं, और बिल्कुल और छोटे भाई के लिए कोई सेवा हो, कोई भी आदेश हो या फिर कोई भी सीख हो जो आप तरह से मार्गदर्शन हो बिल्कुल देना, ठीक है ना। बाकी ओके ओके जरा देखते हैं आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और कभी भी कोई भी सेवा हो, कोई भी कोई ऐसी बात हो जिसके लिए हम आपके लिए अपनी क्षमता के लिए जो कुछ भी कर सकें हमेशा अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है ना।
हाँ जी बढ़िया बात है जी, थैंक यू। ओके अभी जरा देख रहे हैं हमारे साथियों को संभाल रहे हैं, और हमारे हैं मैच स्नो और वॉच 1v2 मूवमेंट में आ गए हैं। देखते हैं कैसे 1v2 मूवमेंट में अपने आप को संभालते हैं, ठीक है ना। हाँ जी अरे जरूर भाई, हाँ जी बिल्कुल मेरे भाई, बस ऐसे यार हंसते रहो और अपना ख्याल रखना, थोड़ा सा सर्दी का थोड़ा सा वही था, बिल्कुल ख्याल रखो ठीक है ना। सर्दी जा रही है, थोड़ा मौसम वगैरह चेंज हो रहा है ना, थोड़ा सा अपने छोटे हमारे छोटे भाइयों का और थोड़ा सा अपना भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना ठीक है ना, फैमिली वगैरह हम सबका। हाँ जी नेवी भाई कैसे हो, वेलकम टू द स्ट्रीम। ओ भाई म्यूजिक मत डालो प्लीज, म्यूजिक मत डालें, चलो फ्रेंड्स वगैरह कहते हैं अच्छा लगता है, मैं कहा चलो कोई नहीं हटा लगा देते हैं, बाकी फिर आगे चेंज कर देंगे ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ मैं भी कैसे हो, अभी तो देखते हैं आगे फ्रेंड्स वगैरह आज कंटिन्यू करते हैं ठीक है ना। थैंक यू, आई एम वेरी थैंकफुल माई डियर, अगर हम अपने किसी भाई के काम आ सकें तो उसके लिए हमें बहुत बहुत उसके लिए हमें बहुत खुशी होगी ठीक है ना। हाँ जी गुड नाइट, चलता हूँ सोने। हाँ जी मेरे भाई टेक केयर, गुड नाइट, ख्याल रखना अपना ठीक है ना, और अपनी बस सभी का अपने टीम का ख्याल रखो। वाले तो बड़े ही मतलब अपनों से बड़ा ही अब रहता है कि चलो अपने कहीं ना कहीं खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं तो उनको खुशी देख कर बड़ा अच्छा लगता है ठीक है ना। अपना चलो थोड़ा बहुत तो चलो चलता रहता है। चलो ओके जी टेक केयर गुड नाइट। ओके नाइस, और बताओ ने अभी डिनर वगैरह सब अच्छे से हो गया, लेट हो गया, दिन में भी नहीं आ पाया, कहीं बाहर थे क्या। और यार ये गलत सीन है यार, बॉम्ब लगाया हुआ है। हेलो इमॉर्टल वेलकम, कैसे हो। ओ भाई अगले धमाका कर दिया, अगले ने धमाका ही कर डाला और चारों खाने चित कर दिए इस समय, हर तरफ से काफी सख्ती से घेरा बनाया है। जी आई एम बैक, आ गए हो भाई, ऐसा लगता है कि आपकी स्ट्रीम में आके जैसे मैं बहुत बड़ा कहते हैं जैसे मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर, अरे यूट्यूबर हमारे लिए तो सभी फ्रेंड्स हैं और हम तो चाहते ही हैं कि हमारे लिए जो भी हमारे अपने हैं वो खुश रहें और हम उनकी हम अपनी तरफ से देखो वेलकम करना, तो देखो हमारा सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा ये है कि हमें ये हमारा एक कल्चर है या हमें हमारा ये एक हैबिचुअल है कि हमें अच्छा लगता है ठीक है ना। बाकी कोई भी कैसे भी वेलकम करें, हाय करके सिर्फ बात को छोड़ दें और वेट करता रहे कि कोई मुझे चैट करेगा तो मैं उससे बात करूँगा, तो वो हमारा थोड़ा सा मतलब नेचर नहीं है। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हाँ जो चीज़ें हम अपने कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं किसी को अपनी तरफ से तो हम ज़रूर करते हैं ठीक है ना। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमारे लिए बहुत वही वाली बात है कि डिफरेंट टू डिफरेंट पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। भाग जाए यहाँ से, भाग जाए यहाँ से। तो अभी हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्स अब ये कि आप सब जो एक दूसरे का ख्याल रखते हो, इतनी रिस्पेक्ट करते हो, तो हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस पर्सन को रिस्पेक्ट दें ठीक है ना। जो डिजर्व नहीं करता उससे फिर हम लोग इस बारे में फिर हम लोग बिल्कुल जस्ट अपने लिए अपने मन में उनके लिए वैल्यूज़ को गिरा देते हैं, बिल्कुल जीरो कर देते हैं, ताकि फिर वो दोबारा कितनी भी कोशिश कर ले वो उठ नहीं पाता ठीक है ना। भैया लव यू छू माई डियर, और बताओ सब बढ़िया। तो हमारे लिए माई डियर जो हमारी वही वाली बात है, हमारे चीज़ें थोड़ा कह सकते हो कि बाकी कोई कैसा करते हैं हम कभी कंपेयर नहीं करते, ना ही कभी नंबर्स को लेकर, ना कभी कुछ चीज़ को लेकर। हमारे लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं जो हम कर सकते हैं वो हम उसमें अपना पूरा बेस्ट दें ठीक है ना। ओके नाइस, चलो नाइस, बाकी यहाँ से अपनी लाइक करके अपने अपनी अटेंडेंस लगाते रहना ठीक है ना। और बताओ क्या चल रहा है। ओ भाई यार गड़ी गिरी पड़ी है, पता नहीं यार किसके काम आएगी, किस किसी गरीब को दे दो यार पता ही है भाई। हाँ जी ब्रदर हमसे गिरी है, ले लो प्रभात उठा लो जॉर्जी और वॉट। ओके ओके दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ओहो हाथ पांव तोड़वा लिए लेकिन मानेंगे नहीं। भैया पर डीसी पे ऑनलाइन क्यों नहीं आते हो, 2 से 4 के बीच आते हैं मेरे भाई, 2 से 4 के बीच में ऑनलाइन रहते हैं और
दो से चार के बीच में हम चेकआउट कर लेते हैं और उसके बाद आपको आठ से नौ के बीच में एक बार चेकआउट करते हैं और आपको एक बार सोने से पहले, ठीक है ना। बाकी रूटीन हमने अपना बनाया हुआ है इसका, रैंडमली कभी भी चेक नहीं करते, बट कभी भी अगर कोई अगर इंपॉर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन होती है कि भैया कुछ इंपॉर्टेंट कुछ शेयर किया है तो फिर हम लोग उसका फिर उसको फिर हम जैसे टाइम मिलता है ऑन स्ट्रीम भी होता है तभी हम उसको चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है ना। इससे कोई बात नहीं, कोई अपडेट है क्या, कोई जानकारी होती तो बिल्कुल साझा किया करे। अबे यार ब्लॉक किया हुआ है, फटा और गया मैं जॉडी और वॉट कॉन्फ्रेंस वीसी में आए थे मेरे भाई आज। हम लोग आज 9 बजे हमने कनेक्ट किया था। प्रभदीत थे, जसप्रीत थे, अपने ब्रॉल भाई थे। तो आ जाओगे तो ये बताया, तो देखो एक्चुअली क्या होता है, बात हमारी ज़्यादातर देखो चैट वगैरह पे हो जाती है, कुछ ऐसी क्वेरी होती है, कोई ऐसा डाउट होता है जिसको लेकर हम लोग कंसल्ट करना चाहते हैं कि भैया मेरे को क्यों और कौन लीव कर गया। हाँ कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। हाँ तो वो कर लेना, फिर एंटर कर लेना। हाँ तो फिर तुम सरेंडर कर लो ना, मैं तुम्हें सपोर्ट कर लूंगा, ऐसी क्या बात है, स्पाइक रश खेलो। मुझे दिखी कुछ नहीं रहा, मैं क्या करूं, दो मारे मैंने। ओ ये क्या चीज है, ये खिलौना लेके कैसे घूमते हैं, हमारे पास सही नहीं यार। नेम क्या है वो ही नहीं पता, अच्छा नेम नहीं पता, ये भी ठीक है। अर्बन डेविल के नेम से है माय डियर, अर्बन डेविल के नेम से है। बम लगा रहे हैं, अच्छा हटेगा नहीं, मतलब अब सरेंडर का ऑप्शन नहीं आएगा, अब सरेंडर का ऑप्शन नहीं आ रहा ना, अभी देखते हैं। रुचो पर नजर थी पैनी, हुई बेचैनी, आंखों में शैतानी हो गई, सैया ने मारा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। अरे हम भी पानी पानी हो गए, ओ पानी पानी, ओ पानी पानी, मर गया। ओय 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 ओरी 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 मार मार के हल्के की हालत खराब कर दी है। सरेंडर कर दो सरेंडर जी। आए पानी की टंकी हो गई, बंद कर दो, ऐसे बोलेगा एवल भैया, मोटर भर गई टंकी बंद कर दो, टंकी और वॉट, अच्छा मोटर में पानी भर गया टंकी बंद कर दो ना, ये भी ठीक है। और बताओ वायरल, बढ़ा के आ रहे टंकी है, जल्दी भर ली तुम टंकी आ जाए, वरना सुबह के भरते 6 बजे। हाँ जी नेम क्या है बताओ। हाँ जी माय डियर, अर्बन डेविल के नेम से है माय डियर, अर्बन डेविल। मेरा डीसी नेम भेजूंगा तो रिक्वेस्ट करेगा, अरे बता देना, डायरेक्टली बात हो जाती है, तो यार जनरल पे मेंशन कर दो या तो फिर प्राइवेट मैसेज कर दो, अब तो सब चीज़ें आसान हो गई। अगले का वो सब चीज़ों का वेट नहीं करना पड़ता, पहले तो अगला वो वेट करना पड़ता था, किसी को मैसेज भी करना होता था। अरे मरते ही तो नहीं है सबसे बड़ी बात है। बाय द वे पानी मोटर में नहीं टंकी में भरते हैं, अरे ऐसा ही है भाई, रात को ऐसा ही होता है, जब टंकी दिखती है या फिर मोटर दिखती है, दो में से जो भी दिखता है वो भर दिया जाता है। येलो इमोर्टल स्पाइडर, ओह मोटर स्पाइडर, ये भी ठीक है, स्पाइडर भैया बने रहे। इनकी तो हालत खराब कर दी मार मार के। हमने बोला मोटर भर गई, अरे ऐसे ही होता था पता है, पहले बचपन में हम छोटे थे ना, जब हम लोग हमें मम्मी बोलती थी जाके ना ऊपर चेक करके आओ कि पानी भरा कि नहीं भरा। अब हम बच्चे थे, छोटे हुआ करते थे, वही उम्र होती थी, मतलब यार 8 साल के 10 साल के होते थे उस समय, तो हम ऊपर चलाते थे मम्मी मोटर भर गई टंकी बंद कर दो।
फिर जैसे जैसे बढ़ते गए आगे रियलाइज हुआ कि कुछ गलत चीज़ भर दी हमने और उसे भरना नहीं चाहिए था, वो भरी भरी रहती है और औरों को भरने का काम करती है जी। हाँ जी अभी ऑनलाइन आ जाओ, मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ऐसा कुछ है क्या? अरे तो मैसेज डाल के छोड़ दो यार, अब तो जर्नल भी चल रहा है और भी अपने क्वेरीज कॉलम भी चल रहे हैं। और कौन से कॉलम से? और भी बहुत सारे कॉलम्स वगैरह चल रहे हैं, बेफिक्र कभी भी मैसेज डालो, मेंशन कर दो। इससे ये होगा कि तुम्हारी कही हुई बात हर किसी को पता लगेगी कि हाँ इस बात को लेकर हमारे इन भाई का ये सजेशन है भाई, तो इसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना? यार ब्रदर जल्दी लाओ, मेंबरशिप लूंगा। अरे मेंबरशिप हो गए, कोई बात, मेंबरशिप सो मे बी अभी कैसे मारूं मैं? मैं कोई शक्तिशाली थोड़ी हूं। अरे यहां पहुंच गया वो तो वही पहुंच गया वो। चलो ज्वाइन बटन, अभी तो टाइम लगेगा भाई। वाल भाई देख लो यार, थोड़ा बहुत तो यार इसमें तो मेहनत लगती है यार। हमने देख लिया, हमने अपना एक्सपीरियंस से दिया है। अगर देखो मेंबरशिप शो आती रहेंगी यार, मेंबरशिप शो वगैरह तो चलती रहेंगी, तुम साथ होने चाहिए। अपने ही साथ नहीं होंगे तो मेंबरशिप का हम क्या करेंगे? अचार डालेंगे? प्योर गॉड, वो तो कंट्रीब्यूशन होगा अपनी तरफ से अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि जो फ्रेंड्स उसके लिए कैपेबल नहीं है अपने लिए कुछ क्रिएट करने का या फिर अपने लिए कुछ ऑन करने का, तो उसके लिए हम हैं उनके साथ, उनको अपनी तरफ से सपोर्ट देंगे कि ताकि वो अपने आप को आगे हेल्प कर सकें कुछ ना कुछ बनाने में, ठीक है ना? बट यार 30 रुपये से स्टार्टिंग करना ताकि मैं ले सकूँ 30 रुपये से, ऐसा कुछ है क्या? हमने तो आज तक सुना भी नहीं कैसे लेते हैं यार, हमने तो आज तक किसी की मेंबरशिप ली भी नहीं है। चलो ठीक है, 10 रुपये की मेंबरशिप लगा देंगे, ठीक है ना? और उस पर लिख देंगे कच्चा बादाम, लिख देंगे उस पर कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, अरे कच्चा बादाम। अरे ट्रैप कर गया। अरे सीओडी प्लीज, अरे तुम्हारी सीओडी है यार, तुम्हारी सीओडी कहीं गई थोड़ी है। रुक जाओ, उसका सीओडी का तो यार देख रहे हैं, पता कर रहे हैं कि अब अगले बंदे भी तो हो, अभी तो अमोंगस भी है यार, कितने गेम है, वही वाली बात है। अमोंगस है, अमोंगस है तुम्हारा, सीओडी है, और कौन सी गेम बता रहे थे मेरे को? मिनिमम स्टार्टिंग 30 से होती है भैया। अच्छा मिनिमम स्टार्टिंग 30 से होती है अगले बोलोगे इन लोगों ने पान भंडार खोल रखा है, मीठा पान, टॉफी, लॉलीपॉप और क्या होती है बीड़ी बीड़ी लगेंगे, बीड़ी गलत चीज है, बीड़ी तो स्मोक इंजरियस फॉर हेल्थ होती है, तो हम लोग उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है ना? जाडियर वाट, अरे खोल दो, बाहर जाना है। मोस्टली लोग 59 की मेंबरशिप रखते हैं, बट लोग फ्रंट वाली लेना पसंद करते हैं, ऐसा कुछ क्या? चलो तुम्हारी ना हमारी 40 रुपए की, ठीक है? कोई तो हमें नहीं पता लेते कैसे हैं यार, ले लेना। बाकी उसका भी कुछ होता है ना वायरल, उसका भी कुछ होता है कि आप उसको जितना लॉन्ग पीरियड के लिए लेते हो तो उसका कुछ और बेनिफिट होते हैं, ठीक है ना? अबे पागल हो गए सारे, आ गए पता वा क्या बोल रहे हो? अरे पता नहीं, कुछ नहीं कर रहा मैं, वापिस आ रहा हूँ क्या हो गया? स्पाइक खेलेंगे, स्पाइक स्पाइक अरे स्पाइक खेलेंगे पागल। हाँ तो मैं तो हूँ खेल जीतने के लिए थोड़ी खेलना है यार, मस्ती करने के लिए खेलते हैं जी। जा रहे हो सच्ची? तो चलो ख्याल रखना, ठीक है ना मेरे दोस्त? टेक केयर। हाँ जी सच्ची, टेक केयर मेरे भाई, ख्याल रखना। ओके हाँ हाँ टेक केयर, ठीक है, गुड नाइट, ध्यान रखना अपना, बाय। अरे कुश्ती कर रहा है। हाँ जी नाइट बॉट को उठाकर बोलता हूँ, बहुत भारी, 2010 kg का वेट है, कम ना हर नाइट बॉट। अरे पता नहीं क्या कम कर लेगा यार, मेंबरशिप से आपको फायदा है, उसमें लॉयल्टी बैडजेस होते हैं, और जिनके ज्यादा मंथ होंगे उनके
क्या होते हैं बैजेस होते हैं और उनके जो होते हैं क्या कहते हैं इसके अंदर, ठीक है। हेलो परिमल गेमिंग, वेलकम, कैसे हो? हाँ जी मैंने देखा, मैंने तो उससे हम क्या क्या इसके बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे जरूर बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी नाइस। हाँ, और उसमें फ़ायदा होता है तो बैच का कलर चेंज होता रहता है, ऐसा बैच का कलर चेंज होता रहता है। हाँ ये भी ठीक है, अच्छी बात है, चलो गुड। हाँ जी परिमल वेलकम, कैसे हो? चलो आ जाए फ्रेंड, फिर अपना गेम से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना, और अपन चैट पर ऐसी वस्ती उदा करते हैं, एंजॉय करते हैं, कोई भी आपको बात शेयर करनी हो, कोई भी खास खबर हो, कोई भी खास जानकारी हो, बिंदास शेयर करना, ठीक है ना। पम पेरा पम पेरा पम पेरा पम पम पेरा पम पेरा पम बेरा भैया डीसी पे आ जाओ, बजा कर डीसी पे आ जाओ, मैं ना ऐसा कुछ है क्या, डीसी पे आ जाएंगे यार, डीसी मोबाइल में चल रहा है यार अभी। यार आई एम फाइन गुड, एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ, क्या करते हो? बाकी अपन मस्ती करते हैं चैट पर, सभी गेम्स खेलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप बिल्कुल आप बात शेयर कर सकते हो, आराम से इस बारे में बात कंटिन्यू करेंगे। क्या हो गया, खत्म? अरे चल पड़े हो, रुक तो जाओ, गुड नाइट तो बोल जा। व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड। चलो नाइस यार, डीसी पे ऐसा है क्या? ओके जी, वेलकम पेरिबल टू द गेमरलाइजेशन फैमिली। और अपन भी ऐसे ही चैट पर मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, और साथ में दिन में आपकी स्टेम्बल गाइज हो गई और अपनी माइनक्राफ्ट वगैरह खेलते हैं, और रात को अपना बीजीएमआई और वैलोरेंट वगैरह खेलते हैं, ठीक है ना। और वो तो जस्ट हमारे फ्रेंड्स वगैरह ज्वाइन करते हैं, बाकी हम चैट पर ऐसी मस्ती मजाक करते हैं। चलो ओके, अभी ज़रा देखते हैं क्या चल रहा है हमारे बाकी के साथी हो गए, और ट्राइंग टू बाय ओन हाउस, अच्छा अपना घर खरीदने के लिए। चलो सफलता आपको मिले उसके लिए आप ऐसे ही मेहनत करते रहो मेरे भाई, चलो भगवान आपको प्रेरणा दे और आपको आगे बढ़ने का अवसर मिले। चलो और क्या करते हो आप, मतलब कि आप एज अ स्टूडेंट, मतलब हम आपको कैसे हम आपको वो करें कि होता है कि भैया मेरे को आप भाई या फिर आप मेरे को इस बारे में मतलब इस तरह की बात करो जिस बारे में आपको इंटरेस्ट हो, आप मुझे उस बारे में हम लोग आराम से बात करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नो पी वन वन और वॉच, यार ये 2 बार हो चुका है मेरे साथ। चलो गुड, पम 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 पम। अब आया मजा, अब आया मजा, और आओ और भी हैं क्या? ये तो अपने हैं जॉडियर वॉच, क्या बात है। डिड यू लाइक फुटबॉल? यस बट नॉट टू मच, यस व्हाट वी लाइक, यस यस परिमल वी आर जस्ट प्लेइंग फुटबॉल ऑन ऑन स्कूल डेज, स्कूल डेज वगैरह में खेला था यार, और योर स्कूल डेज। अप्लाइंग डिफ्यूज, सारे वहां पहुंचे, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, जोड़ कर जाते हैं साथियों को बचाते हैं, डिफ्यूज कर देंगे मेरे ख्याल से यार। फ्लॉलेस और वॉच, ओए होए क्या बात है, ओहो स्विच लगने वाला है इस वाले मैच के बाद। कंट्रीब्यूशन हमारा भी है, ठीक ठीक बाकी और देखते हैं और किस तरीके से हम इसमें छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन देते हैं। चलो और परिमल आप बताएं आप क्या करते हो, मतलब कि स्टूडेंट हो या फिर जॉब वगैरह करते हो, तो जिस बारे में आपको बात करना चलेगा हम आराम से उस बारे में बात कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ओके ओके गुड, देन टुमारो इज माई फर्स्ट मैच फॉर नेशनल, ओके ब्रदर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्ले गेम, एंड वी
pray God for your blessings and for your good performance. Got your what? हाँ जी, क्या हो गया? रशिया यूक्रेन चक्कर क्या है? अरे रशिया यूक्रेन का कोई चक्कर थोड़ी है यार, उनकी तो आपस में कोई बात चल रही है, देखते हैं कि उनकी बात का सोल्यूशन कब तक निकल के आता है। बाकी जल्दी हो जाएगा सोल्यूशन, क्या तो रहे यार, महीना तो हो ही गया देखते देखते। ये तो पता है, वही वाली बात है कि बात को सुलझा कर ही इन चीज़ों को रोका जा सकता है, वरना ये चीज़ें रुकती नहीं है मेरे भाई कभी भी। नुकसान नुकसान आप कितना कर सकते हो भाई, नुकसान आप सामने वाले का किसी भी हथियार से आप तो इतना नुकसान कर सकते हो कि वो कम नहीं, लेकिन फिर उनकी वैल्यूज़ क्या रह जाएगी, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। चलो देखते हैं अभी यार, ये बंदे अगले चले ही जा रहे हैं, मेरे को ज़रा देख रहा हूँ कि रुकने का नाम। ओहो भाई बॉम्ब है, मैं नहीं जाऊँगा आगे, फटेगा फटेगा मुझे पता है फटेगा, ये फटा। जॉरियर वॉर, अरे यार लेफ्ट राइट खेल गए हमारे साथ। बोलते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा, अरे अभी नहीं होगा वर्ल्ड वॉर 3, तब होता है मेरे भाई जब बहुत बड़ा एक टू कंट्रीज या फिर टू बड़े बड़े नेशंस, जैसे प्रीवियसली हमने हिस्ट्री में देखा, उनमें आपस में संबंध जब बिगड़ते हैं, ठीक है ना। बाकी ये भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस बारे में हमें भी पता लगेगा कि बाकी जोरदार तरीके से धुलाई चल रही है। अबे तुम कर क्या रहे हो, खुद बम लगा रहे हो, खुद ही फोड़ रहे हो, सारी डिफ्यूज कर रहे थे ये लोग। इस वाले राउंड में ये लोग डिफ्यूज कर गए, इस वाले राउंड में ये लोग डिफ्यूज कर गए, और देखते हैं और कैसे खुद को संभालते हैं यार। डिफ्यूजन और वॉच, और फ्रेंड्स अगर स्ट्रीम को देख रहे हो, कोई भी खास कवर हो, कोई भी खास नहीं जानकारी बिंदास शेयर करना, ठीक है। अपन आगे चैट पे बात कंटिन्यू करेंगे जिनको गेम वगैरह में अपना है, देखते हैं आप आराम से गेम प्ले को एंजॉय करो, बाकी हम लोग जो कोई बात होती है हम लोग आगे बात अपनी शेयर करें, बारे में डिस्कस करेंगे। ओके नाइस वॉर, अपना बस अभी ये लास्ट ही मैच है, अपना बस अभी ये लास्ट ही मैच है, बिकॉज हमारी स्ट्रीम जो होती है 10 से 12 की टाइमिंग्स होती है, तो हमारा थोड़ा समय टाइम एक्स्ट्रा होता है, हम लोग थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ठीक है ना, जैसे फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो। हेलो शेर मैन रिजवान, कैसे हो? हे न्यू टू द स्ट्रीम, हेलो वेलकम रिजवान, वेलकम टू द गेमलाइजेशन फैमिली, कैसे हो? और अपन सब चैट पर ऐसे ही मस्ती मजाक करते हैं, एंजॉय करते हैं, सभी गेम्स खेलते हैं और सभी फ्रेंड के साथ ऐसे ही मस्ती मजाक करते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है ना। और बताइए कैसे हो आप मिस्टर रिजवान, हाउ आर यू? बाकी अभी भी बचने की संभावना है, लेकिन बचने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। My team played 4 times national and we won 3 times back to back. Oh, this is 4th time. Okay. On a streak. On a 4th streak. Brother, all the best. Do your best. आप अपना best दें और इसके लिए हम बॉट से और प्ले करेंगे कि सब अच्छा होगा, ठीक है ना। शर्मन ट्राई करो बोलने का, आई एम अ गर्ल, शर्मन नेम है और हमारा। अच्छा आपका नेम जो है आपका शेयरमैन, हाँ जी शेयरमैन, आई एम प्रोनाउंस योर नेम राइट शेयरमैन, गुड आई एम गुड बेटी जी, आई एम अ गर्ल, ओके यस यस यस, आई सी योर प्रोफाइल, यस यस थैंक यू, ओके शेयरमैन थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्ट्रीम, एंड इफ यू वांट टू टेल मी अबाउट योर सेल्फ वी आर टॉक we are talk and discuss everything with your friends, like your hobbies and your any kind of incident you want to share with us, or on our afternoon timings we are just playing some games like Stumble and Skies and Minecraft kind also, and in the night we are playing BGMI and Valo on the streaming. Hello Krishna, kya ho gaya?
शांति रखना, कोई भी बदमाशी ना करना, ठीक है ना। मुश्किल नेम है प्रनाउंस करना, देखो शर्मिन, अब हो जाएगा, अब नहीं होगा। एक बार होता है कि नेम एक बार होता है ना कि टंग टंग ट्विस्ट होता है। हेलो गुरु, कैसे हो, वेलकम। तो थोड़ा सा जो होता है कि नेम थोड़ा सा टंग ट्विस्ट होता है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो नेम वगैरह चल जाता है, ठीक है ना। कोई नाम रख दो मेरा, आपका कोई नेम रख दे, आपका हम नेम रख देंगे मिस शेरे, ठीक है ना। हम आपको मिस शेरे बुलाएंगे कि इस पर आपको और क्यूटनेस लगेगी नेम में, हमें बुलाने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। इन योर टाइम व्हाट इज़ योर प्लेस इन फुटबॉल। देखो हम प्लेस के लिए नहीं खेले थे, हम लोग स्कूल के लिए खेले थे, स्कूल्स वगैरह में हम लोग खेलते थे। भाई इस बार कोनी मंचे को वीडियो वेडनेसडे को आई है, हमेशा तो मंचे को डालती है, अरे पता नहीं उनको कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। नहीं ना, शेयरमैन है ना, हाँ हाँ शेयरमैन, गुड ठीक है। बाकी हाँ मेरे भाई, और बताओ कृष्णा, सब बढ़िया ना, गुड। और इस बात का जवाब मैं आपको दे चुका हूँ, और इस बार में जित वही वाली बात है, एक ही सवाल का एक ही जवाब देते थे, कोई फाइव बेनिफिट नहीं थी ना। हाँ गुड, नहीं ना शेयरमैन है ना, अच्छा शेयरमैन, शेयरमैन ठीक है, बताओ ना शेयरमैन, शेयरमैन और वॉट, ओके ये भी ठीक है, क्या कहते हैं दोस्त भी यही बुलाते हैं, ओके मिस शेरी, मिस शेरी बुलाएंगे, ठीक है ना, अच्छा लगेगा हमको बुलाना। अपन तो ऐसी मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं, जिसको जिस तरह से अच्छा लगे हम उस तरह से उनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। और बताओ कैसे हो गुरु, अच्छे हैं मेरे भाई, आप बताओ कहाँ थे आज पूरा दिन, सब बढ़िया है ना। चलो अपन ऐसे ही मिलते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है ना। कभी भी कोई भी बात शेयर करनी हो बिंदास शेयर करो। हाँ जी अह मनन स्क्वाड, अभी तो देखो यार चल रहा है, अभी तो देखो चल रहा है, अभी तो जब तक थोड़ा बहुत आगे टाइम आएगा, बहुत तो सारी चीज़ें यार, कोई वाली बात है। सजेशंस के लिए पोल्स वगैरह तो हम लोग ज़रूर, जो जो फ्रेंड्स वगैरह जो उसमें ज्वाइन करने के लिए आगे वेट कर रहे होंगे, उनके लिए हम लोग आगे ज़रूर वेट करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। डू यू टीम विन एनी टूर्नामेंट फॉर स्कूल्स। देखो टीम्स के लिए हम लोग वैसे नहीं खेले, हम जस्ट पता है कैसे खेले थे, हम जस्ट थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट्स वगैरह करने के लिए खेले थे, ठीक है ना, गुड चलो गुड। और बस उनको कह सकते हो कि थोड़ा बहुत इंजॉय करने के लिए, जो हमारे स्कूल लेवल पर होता था कि स्कूल्स में टीम्स वगैरह क्रिएट होती थी। हाँ जी आज तो भाई बाहर गया था, अभी आया हूँ, इतना लेट लेट हो गया, आज कहाँ गए थे मैं गुरु यार, काफ़ी लेट हो गया, टाइम देखो। सब बढ़िया ना फैमिली के साथ। हाँ रैंक डिजेबल है ना आज, हाँ रैंक रैंक का कुछ चल रहा है, पता नहीं रैंक का कुछ डिजेबल वगैरह चल रहा है, चलो उसका तो चल रहा है, आप ठीक है ना, चलो नाइस, ओके जी ओहो नाइस, चलो अच्छा है, चलो नाइस। और मिस शेरी आप क्या करते हो बड़े प्रोफेशन में, जो कि जैसे हमें देख कर लगता है कि हाँ हमारे जो फ्रेंड्स जिस तरह का उनका अपना एक होता है ना कि पहचान होती है कि उनको गेम, मतलब कि वो एज अ हम उनको अपना छोटा भाई या छोटी बहन समझ के उसको हम ऐसे हम वो करें ट्रीट करें, या फिर हम अपने एक लेवल स्टैंडर्ड पे रखें उसे फील करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है ना, कि हम कैसे उनसे उनका बात उनके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि उनको भी अच्छा लगे कि जिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस को हम उनको उनके साथ अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे लिए अच्छा है, ठीक है ना। सैडली गेम खोली मैंने आज और रैंक डिसेबल था। अच्छा रैंक डिसेबल था तो हाँ चल रहा है इसका तो, रैंक वगैरह का तो थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, थोड़ा बहुत तो इसका अपडाउन वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है ना। चलो हाँ जी मनन क्या कर रहे हो, चैट पर छाए हुए हो आज, चैट पर छाए हुए हो, ठंड भी लग रही है, लोडिंग भी जा रही है, और तुम्हारे जो तुम्हारे मॉन्की हैं वो भी आ रहे हैं, हैं मॉन्की का क्या रोल था इसमें, चलो और देखते हैं। अरे यार गन लेकर जाते हैं अगला बंदा, देखते हैं क्या कर रहा है, अगले बंदे को देखते हैं, बॉम्ब लगाएंगे, ए पर लगाएंगे, नहीं नहीं अरे प्लांट लगा रहा है यार। कितने बजे तक स्ट्रीम करोगे अभी, और देखो यार फ्रेंड्स वगैरह रहते तो हम लोग थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंड्स अगर रहते तो थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर लेंगे, वरना अगर नहीं होंगे फिर हम लोग फिर वही है कि आगे हम लोग फिर आगे बात शुरू करेंगे, ठीक है ना। ओ कहता है और सर्वर में भी इशू चल रहा है इस बार डिस्कनेक्ट वाला, अच्छा ना ब्रो नींद आ रही है, थक गए, चलो कहाँ गए थे वैसे गुरु, अगर अपनी जर्नी
शेयर करना चाहो तो बिल्कुल जर्नी शेयर करना, ठीक है ना। हम तो हैं यार, और इसीलिए तो पूरे दिन का कितने की एक सारांश एक समराइज करने के लिए हम रात को मिलते हैं। और अच्छा लगता है दिन में, तो चलो कोई बात नहीं, कोई आया कोई गया तो कुछ चलता रहता है, कि रात को होता है कि चलो अब लौट कर अपने सभी अपने घर आ जाते हैं और फिर आराम से इंजॉय करते हैं, ठीक है ना, बात करते हैं, अच्छा लगता है। और एक्चुअली यार गेम कोई भी यार मज़ा तब यार, अपने फ्रेंड सर्कल साथ में होते हैं, मिलते हैं, देखते हैं, अपनी कोई बात शेयर करते हैं, ठीक है ना। कवर कर दिया उन लोगों ने, कवर कर दिया। आज शाम को पहले मूवी देखी और फिर खाना खाया, बाहर गए और लेट हो गया। हाँ लेट तो हो गया, टाइमिंग्स देखो यार, टाइम तो यार एक वही है कि 12 बजे, पता है चल कहते हैं अब तो 11-12 बजे के बाद भी थोड़ा बहुत तो रौनक रहती है, बट फिर भी यार घर आने वालों के लिए तो यार देखो बहुत लेट ही हो जाता है, नींद आती है। तो ये बात है मेरे को, अरे यार अटैक कर दिया हमारे ऊपर, जानलेवा हमला कर दिया फ्रेंड्स। लेकिन भाई मजा आ गया आज, अरे मेरे भाई नाइस यार, अच्छी बात है। देखो यही तो छोटी छोटी इंजॉयमेंट होती है यार, यही छोटी छोटी इंजॉयमेंट्स होती है जिसको आप अपनों के साथ ही फील करते हो, और लव इट, ये इंजॉयमेंट की बहुत जरूरत होती है लाइफ में, कि थोड़ा थोड़ा मोमेंट ऐसे ही बनी रहे। ओहो हैरी पॉइंट सो मच, ओके गुड, इधर देखते हैं। ओहो चलो नाइस यार, बाकी देखते हैं, बहुत संभल कर आगे कदम बढ़ाने हैं, बहुत संभल कर आगे डिसीजन लेना है, वरना तो धक्के लगा दिए जाएंगे। ओपी और वॉच हंची, आप बताओ कैसा गया दिन आपका? अरे ब्रदर अच्छा गया, बस वही है सभी फ्रेंड के साथ मिले, ऐसे ही ढेर सारी मस्ती करी, एंजॉय किया, अच्छा लगा, ठीक है ना। चलो नाइस, और ऐसे ही अच्छा लगता है यार, वही है कि काम कोई भी करो यार मज़ा तभी आता है। अब तो उनके साथ एंजॉय वगैरह करते हैं, बाकी अभी तो थोड़ा बहुत हमारे अभी आगे क्लासेस वगैरह जो हैं आगे बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, नेक्स्ट मंथ से कह रहे हैं, तो देखते हैं, अभी तो हमारे पास टाइम है तो इसलिए पूरा टाइम इसको दे रहे हैं, और फिर देखेंगे जब कॉलेज वगैरह जाना दोबारा से स्टार्ट करेंगे, फिर दोबारा से टाइम देंगे, ठीक है ना। ओके गुड, तो बाकी देख रहे हैं बहुत अच्छे से संभाला हुआ है सिचुएशन को हमारे सभी फ्रेंड्स ने जी। ओहो भाई क्या ही सिचुएशन है, स्विचिंग साइट्स अब आ गए हैं, और बॉम्ब हमारे पास नहीं है, बॉम्ब जो है हमारे एनिमीज के पास है, और देखते हैं इस बॉम्ब को कैसे संभाल के रखते हैं अपने पास। चलो और बताओ सब बढ़िया ना, कोई भी खास खबर हो ना शेयर करना, ठीक है ना। नेक्स्ट मंथ से स्ट्रीम नहीं कर पाओगे क्या? नहीं करेंगे यार स्ट्रीम करेंगे, ऐसी बात नहीं है, बस नेक्स्ट मंथ से हो सकता है कि टाइम थोड़ा कम हो जाए, और अभी देखो जैसे हम लोग टाइम्स को एक्सटेंड कर पा रहे हैं, जैसे 10 से 12 की स्ट्रीम को 10 से और आगे कितना आगे ले आए, तो ऐसे मतलब कि एक्सटेंड की जो होंगे कि चांसेस होंगे वो थोड़े कम होते जाएंगे, और बाकी स्ट्रीम्स वगैरह रहेंगी, न्यू शेड्यूल और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है ना। और भी फिर बहुत सारे पर प्लान्स हम लोग इंक्रीज कर देंगे, और भी फिर बहुत सारे ऐसे प्लान्स होंगे जिनको हमारे फ्रेंड्स को जिनको उसमें पार्टिसिपेट करना होगा आपस में। जॉडी और वॉट, हेलो एजेंट, वेलकम, कैसे हो? हाय, अच्छा बढ़िया है। हाँ हाँ अरे बहुत चीज़ें मेरे भाई, बहुत चीज़ें लेकर आई हैं आप, बहुत चीज़ों को अभी एक दूसरे को इन्वॉल्व करने में काफ़ी चीज़ छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। कैन आई ज्वाइन? ज्वाइन कर सकते हो माय डियर, नो प्रॉब्लम। और जो नीचे आपकी शेयर करी हुई है जो इन गेम आईडी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाना, बाकी लाइक और सब्सक्राइब करके फैमिली को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। अपन अभी भी नाइट में वैलोरेंट वगैरह खेलते हैं, हमको भी अच्छी टीम मिल जाएगी, और हमको भी लगता है कि आपको भी अच्छा एक से हम आपका आगे भी ढेर सारी चीज़ों में एंजॉय करेंगे, और आपको भी वेलकम करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं।
भाई मैं फोन को सामने रख के सो रहा हूँ, स्ट्रीम ऑन करके पॉइंट्स भी पुश हो रहे हैं जाएंगे। हाँ ऐसा कर लो यार, ये बढ़िया। बाकी फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं तो हम लोग आगे टाइम्स वगैरह इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है ना। और ओके जी नाइस। और बताओ एजेंट कैसे हो, आपके ब्रदर सो गए क्या? हाँ वो सो गए मेरे भाई, उनको बुलावा आ गया। अगर वो बुलावा अगर वो नज़रअंदाज करते तो हो सकता है कि कुछ देर के बाद फिर उनको गेम चलते चलते छोड़ना पड़ता उन कारणों की वजह से। डीसी है, हाँ हाँ डिस्कॉर्ड है, सब कुछ है मेरे भाई, बट अभी डिस्कॉर्ड पे बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। इन गेम बात करनी हो तो इन गेम बात कर सकते हैं। और बताओ एजेंट कैसे हो आप, डिनर वगैरह सब अच्छे से हो गया? आई हैव अ क्वेश्चन, इफ गर्ल्स गिव यू अ परमिशन नंबर क्रश एंड शी मैसेजिंग लाइक आई लव यू, व्हाट यू नो दैट्स व्हाई माय सिचुएशन नाउ। देखो मेरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस समय किस सिचुएशन में या फिर आप किस पोजीशन पर हो और आप कैसे इस पर रिएक्ट करोगे। अगर हमसे कोई पूछे तो हमारा तो साफ साफ एक बात होगी, देखो किसी की रिस्पेक्ट, अगर वो उसकी भी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है तो उसका भी ध्यान रखना है, और ऐसा नहीं। और इसलिए उसको ये बोलना है कि देखो मिसेस आप जो भी हो, इस समय जो आपका ये जो क्वेश्चन है, मतलब कि आपका जो इस समय आपका जो आपने मेरे से ये एक पूछा है मेरे से ये सवाल, इसके लिए फिलहाल के लिए मैं अभी तैयार नहीं, आई एम नॉट रेडी। सो आपको अगर लगता है कि हम आने वाले टाइम में, कि अगर हमको कोई भी अगर इसके अंदर हम कुछ भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। बट अभी के लिए कुछ समय के लिए हम अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं, और आपकी मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ जो आपने मेरे से अपने ये चीज़ पूछी, कि इस केस में आप बिल्कुल आप वो करो, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे पास टाइम है, मेरी हर चीज़ मैं अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको आगे उनको ज्वाइन कर सकते हो उनके प्लान्स वगैरह में, जो भी वो आगे फन के लिए प्लान करते हैं, ठीक है ना। बट हमारे लिए जो भी करंट सिचुएशन है, हमारे अपना पहले फ्यूचर को लेकर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जिसमें कि अच्छे से पहले इसको एक बार अच्छे से इसमें सब चीज़ें हम लोग प्रॉपरली सेटअप कर लें, इसके बाद फिर हमारे पास जब समय होगा अपनी लाइफ में इन चीज़ों के लिए तो हम चीज़ों को समय देंगे, ठीक है ना। अनरैंक खेल रहे हो क्या? हाँ माय डियर वही चल रहा है, अनरैंक खेल रहे हैं, वो अपना स्पाइकर खेल रहे हैं अनरैंक। जी डेटिंग एडवाइस भाई, नमन भाई, अरे यार डेटिंग एडवाइस नहीं है, बस जो चीज़ें जानते हैं यहाँ पर वही है, हमारा पर्सनल अपने एक्सपेक्ट है, हमारा पर्सनल अपना एक्सपेक्ट है चीज़ों को सोचने का, आपका हो सकता है कुछ और अलग हो, ठीक है ना। स्पाइक क्रश है या रैंक? स्पाइक क्रश है माय डियर, स्पाइक क्रश है। चलो और बचाओ एजेंट क्या करते हो मेरे भाई, और साथ साथ बिल्कुल यार अपन बात करते हैं आराम से, जिनको बात करनी होती है आराम से वो बात अपनी शेयर करो, कोई भी आपको बात अच्छी लगती है जिस बारे में बात करना अपन आराम से उस बारे में बात करेंगे। और जिनको गेम वगैरह में अपना कोई होता है कि भैया मेरे को ज्वाइन वगैरह करना होता है, आगे आप ज्वाइन कर लेना, मैं आपको आपको साथ में ऐड कर लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आ रहा है यहाँ से, कुछ आ रहा है। चलो देखो यार ये एक्चुअली कहते ना लाइफ, ये लाइफ एडवाइजेज है मेरे को, ये एक्चुअल में लाइफ एडवाइजेज है। डेटिंग ओके, ओहो किसका बुलावा? बुलावा माय डियर ऊपर से पेरेंट्स का, थोड़ी देर के लिए प्रैट्स की स्ट्रीम पर गया था और गुड बाय कहने। हाँ हाँ कोई बात, अच्छा है गुड बाय वगैरह कह दो यार, उनको भी रहता है कि देखो एक्चुअली बताऊँ क्या है, समय कैसा भी हो लेकिन अपनों को इतना रहता है कि वो भी वेट करते हैं। आपको पता क्या होता है, अब हम जैसे अभी हम इस समय कोई भी स्ट्रीम कर रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल हमें पता है कि हमारे किन भाई को कौन से गेम में इंटरेस्ट है, कि वो हम उनको खुद चाहते हैं कि वो हम उनको ज्वाइन करें, ठीक है ना। बट उस केस में क्या होता है कि हम उनको ये बोलते हैं ना कि भैया आप आओ आराम से इन्जॉय करो, फिर भी वो भी आपके आके अपनी बता के जाते हैं कि हाँ भैया सब अच्छे से चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, क्योंकि दिन भर जिनसे बात हो जाती है तो अच्छा रहता है, जिनसे नहीं हो पाती वो बता देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरे भाई, है ना ब्रो। आई एम वेटिंग फॉर यू, हाँ अचानक कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ एजेंट बताओ तो आगे तो बात तो करो, तुम बात तो नहीं कर रहे हो फिर कैसे मज़ा आएगा, और भी आराम से साथ में और भी बात करनी है, और भी गेम्स वगैरह इन्जॉय करनी है, ठीक है ना। लगता है एक्सप्रेसिंग है, ओह क्या बात है। आपको नहीं बुलाते पेरेंट्स सोने को? नहीं मेरे भाई हमें नहीं बुलाते, क्योंकि बिकॉज हमारा जो है 2 साल पहले हमने मतलब समझ लो अपनी गेमिंग वगैरह से लेकर ना हम लोगों ने बिल्कुल उस समय बिल्कुल हमने गेमिंग करनी छोड़ दी थी। अब थोड़ा बहुत हमने आपका जो है गेमिंग वगैरह थोड़ा बहुत जॉब वगैरह किया बीच में, एक एक साल हमने जॉब किया था, उसके बाद फिर हमने दोबारा से थोड़ा स्टडीज़ के लिए बीच में ब्रेक लिया है, तो स्टडीज़ के ब्रेक की वजह से फिर हमारे पेरेंट्स
पेरेंट्स ने पता था कि जॉब तो मतलब कर चुके हैं, इतना तो कैपेबल हो गए हैं कि अपने लिए कोशिश कर सकते हैं जॉब वगैरह, ठीक है ना। तो इसलिए फिर वो चिंता नहीं करते, वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आप इससे अगर आप कुछ अच्छा रिजल्ट निकाल के दे रहे हो, ठीक है ना। ओके, हम गेमिंग नहीं कर रहे, उन्हें भी पता है, उन्हें उन्हें भी आपको क्या लगता है, मेरे पेरेंट्स भी वगैरह, हमारे जो पापा भी हैं कभी कभी हमारी स्ट्रीम खोल के देख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली। तो हमें पता होता है, हमें इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमारे जो अपने हैं कहीं ना कहीं उन्हें जो भी हम आपसे बात कर रहे हैं या जो भी हम सबसे बात को शेयर कर रहे हैं, हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। ब्रो शी इज एवर डे टू सी माई गेम। ओहो क्या बात है, कुछ अच्छी बात है, अच्छी बात है, ऐसा होना बहुत अच्छी बात है। ऑलमोस्ट गॉड नहीं आए तो आएंगे तो करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, कौन सी जॉब करी थी? अरे माई डियर, हमने कंपनी ऑफिस वर्क किया था, एक्चुअली बस कंपनी का एनवायरनमेंट है हमारा तो थोड़ा सा उसी में रहता है, तो तभी तो कभी हमसे कोई पूछता है कि भैया आप, वो पूछते थे भैया कि भैया आप टीचर हो, मैं टीचर नहीं है मेरे भाई, बस बात करने के थोड़ा सा, एक कहते ना कि एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट से रहते रहते धीरे धीरे आपको आदत हो जाती है उसके बीच में रहकर, ठीक है ना। तो अब इसलिए होता है। आपका जन्म किस दिन हुआ था माय डियर? जन्म हमारा तब हुआ था जब हमारा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, उससे 1 साल बाद से हमारा जन्मदिन मनाने शुरू कर दिया था। ओके, ज्वाइंट पार्टी आ गए हैं ऑलरेडी इन है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंडली फैमिली फ्रेंडली स्ट्रीम, अरे यार स्ट्रीमर नहीं है यार, वही वाली बात है, अगर स्ट्रीमिंग ही करनी होती ना मेरे भाई, क्योंकि देखो एक्चुअल क्या है, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम, जो टाइम अभी हम दे पा रहे हैं हो सकता है कि फ्यूचर में ना दे पाए, क्योंकि इसे 1 साल पहले नहीं दे पाए थे इतना टाइम, और हो सकता है कि आज से आने वाले 1 साल बाद इतना टाइम ना दे पाए बात करने में, ठीक है ना, आपस में बात करने के लिए, इन्जॉय करने के लिए, वरना हम भी यार अपना एक ही काइंड ऑफ गेम को कंटिन्यू करते रहे करते रहे करते रहे, 2 महीने 3 महीने लगातार कर दें तो ऐसा रिस्पॉन्स यूट्यूब की तरफ से अपने आप मिल जाएगा कि हमें फिर यूट्यूब से अर्निंग जल्दी शुरू हो जाए, लेकिन हम किसी गेम को अपना टारगेट नहीं बनाना चाह रहे ना मेरे भाई, हम किसी को गेम को अपना टारगेट नहीं बनाना चाह रहे कि गेम हमारा टारगेट, हमारे लिए सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, मस्ती करते हैं, इन्जॉय करते हैं, और उनसे बात कौन करेगा अगर हर कोई उनके साथ, अगर उनको ये बोलेगा कि लाइन में लगकर गेम खेलने के लिए लाइन में लगो तो तुम्हें तब मैं तब खिलाऊंगा, तो अगर ऐसी बात अगर हम करने लग जाएं तो फिर हमारे आपस में मिलना और आपस में इंजॉय करना या और किसी के मन में गलत फहमियों को दूर करना कौन करेगा, ठीक है ना। हाँ जी, आपका बर्थडे कब है, डेट और मंथ? अरे डेट और मंथ क्या करोगे, जब होगा पता लग जाएगा, ठीक है ना, जब होगा तो हम आपको जरूर बता देंगे। ओके और वॉच लॉल, अरे फिक्र नहीं करते यार, बस वही है, बस ऐसे ही हंसते रहो, खुश रहो यार, जब भी आते हो, मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि देखो यूट्यूब का देखो एल्गोरिदम ही ऐसा है, यूट्यूब चाहता यही है कि आप वो करो, ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब कि यूट्यूब चाहता है कि आपके सब्सक्राइबर्स, अगर आप काम करो तो सब्सक्राइबर्स आपके बढ़े, क्योंकि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अरे हाँ ठीक है, पीसी नो भरे कोई बात नहीं, तुम खेलो तो सही है। फेस कैम थोड़ा ऊपर लग रहा है यार, अरे फेस कैम ऊपर नहीं है, हम नीचे चले गए हैं, ये रहे ना ये रहे देखो पूरा ऊपर आ गए, आज हम थोड़ा सा मतलब कि बस सुस्ता गए खेलते खेलते, और हमारे पैर पता है मैंने ना टेबल के नीचे सीधे कर रखे जोड़ी और बात, आवाज आनी चाहिए, बात होती रहनी चाहिए, ठीक है ना। सोचे चैट कैसे पढ़ रहे होंगे यार, जोड़ी और बात चलो अब देखते हैं। स्पाइक क्रश मुंबई, मुंबई में लगा रखा है इन लोगों ने, ठिकाना अपना जमा रखा है। ओपी और वॉच, चलो आगे ले रहा हूँ यार, आगे गुरु में अब लोग ना, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ आगे एक वो बनवाऊंगा यार, वो बन वो यार एक वो ले रहा हूँ, उसका जो टेबल आता है ना, उसका कूलिंग टेबल आता है लैपटॉप का, वो लेना यार, सोच रहा हूँ मैं कौन सा लूँ, अगला ब्रांड को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बहुत सारे ब्रांड आ रहे हैं, एक जिन क्यू करके आ रहा है, एक कॉस्मिक बाइट करके आ रहा है, और भी हैं फ्लिपकार्ट वगैरह के अपने भी आ रहे हैं, लेकिन अगला मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ अभी, मैं सोच रहा हूँ कि यार एक प्रॉपर पता लगे कौन सा लेना है, फिर उसमें इन्वेस्ट करूँ, 1000-1500 रुपये खर्च कर दे और बाद में कोई फर्क ना पड़े, कोई बेनिफिट नहीं है ना चीज़ों का भाई। ये जोड़ी क्या होता है, जोड़ी क्या होता है, जोड़ी जोड़ी कुछ नहीं होता भाई, जोड़ बोलते जैसे बोलते हैं स्वैग को स्वैगी बोलते थे, तो हमने जॉड का जॉडी बना दिया जी। भाई पापा स्ट्रीम कर रहे थे शाम को, मैं कॉलेज में था, हाँ मेरे भाई मुझे पता लग ही रहा था यार, मुझे समय लग ही रहा था कि तुम आए, तो तुम वही वाली बात है, 8 बजे तो तुम घर पहुंचे हो, अगला बंदा क्या कूलिंग पैड लेने की सोच रहे हो? हाँ हाँ यार कूलिंग पैड लेने की सोच रहे हो,
देखते हैं यार कूलिंग पैड लेने की सोच रहे, बिकॉज क्या है ना यार अभी तक तो चल गया, सर्दियों में तो निकाल दिया इसने, हीटर वाला काम कर दिया, लेकिन अगला एक अगर अब हीटर बन गया ना ये, तो हम भी जाएंगे साथ में, खुद भी जाएगा ये, तो ये बिल्कुल आप समझ सकते हो ये वो बन जाएगा आपका टाइम बम बन जाएगा लैपटॉप हमारा, और कब फटेगा पता नहीं चलेगा। जी हाँ जी, क्या हो गया? शी कम्स माई होम एंड नाउ शी मॉम्स फ्रेंड एंड वाई आई एम बाइंग न्यू होम। अच्छा ऐसा कुछ है क्या? अरे बाग बस सर वेलकम, कैसे हो? अभी बीजे माई अपनी बीजे माई नहीं माइडियर, बीजे माई आपकी होगी शुरुआत के 3 दिन, ठीक है ना, आप आराम से ज्वाइन कर लेना। और बताओ क्या हाल चाल है? खेल के चक्कर में रहोगे तो यार वही है कि इंतजार, क्योंकि कोई भी अपनी बात शेयर करने के लिए किसी खेल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ओ उड़ा दिया है। कूलिंग पैड के लिए वेनम टेक यूट्यूबर की वीडियो देख के बहुत बढ़िया आइडिया मिल जाएगा। हाँ यार वेनम टेक के वीडियोज़ वगैरह देखे थे, बट एक्चुअल वेनम टेक के वीडियोज़ देखे थे तो उसमें भी यार वही एक कैटेगराइज किया हुआ है काफ़ी अच्छे से। चलो नाइस, और फ्रेंड गाइस स्ट्रीम को देख रहे हो मतलब चैट पर ऐसे मस्ती मजाक करते हैं, एंजॉय करते हैं, और जो भी फ्रेंड्स फैमिली में नहीं हो सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को फैमिली को ज्वाइन करना भूलना, ठीक है ना, इससे ज़्यादा बोलने के लिए हमारे पास किसी विषय में बहुत सी बातें हैं। कूलिंग पैड और व्हाट ब्रदर, बजट कितना है कूलिंग पैड स्टैंड के लिए? देखो यार मैं सोच रहा हूँ यार 1000 रुपये का लेके चल रहा था, लेकिन वो 1000 रुपये में ना वो वाले आ रहे हैं डबल पंखे वाले जो आते हैं, लेकिन मुझे ना डबल पंखे वाले पे विश्वास नहीं है, और मैं वो सोच रहा हूँ कि जिसमें मतलब थोड़ा प्रॉपर सेटअप वगैरह हो, अगला 500 रुपये 500 रुपये ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, 1500 रुपये भी खर्च देंगे, लेकिन चीज़ चलने वाली होनी चाहिए कि कम से कम 2-3 साल चल जाए, बाकी चेंज तो करते रहेंगे ऐसी बात नहीं, बट काम करनी चाहिए बस, पता लगे हम पंखा से हवा करने की कोशिश कर रहे हैं वो उल्टा उस बेचारे का खुद का दम घुट जाए गर्मी के चक्कर में कूलिंग फैन का ही दम घुट जाएगा क्या? अबे भाई साहब ये किसको बिठा दिया मेरे ऊपर अगला गर्मी छोड़ रहा है इतनी ज्यादा साहित 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 गर्मी लगेगी ना कूलिंग पैड के ऊपर बैठ के गेमिंग करो अगला कहेगा ये तो और भी ज्यादा गर्म है गेम खेलते खेलते मार 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 अगला कूलिंग पैड ही क्रैश कर जाएगा अगला कूलिंग पैड ही क्रैश कर जाएगा, कह रहा ये किसको बिठा दिया मेरे ऊपर ओपी भाई ओपी और वाह ये गलत है भाई, ये किसको बिठा दिया तूने मेरे ऊपर, गलत हो जाएगा भाई ये तो फिर, देखा तुम पर विश्वास करके तो मैंने तुमको इस मुकाम तक पहुंचाया था, लेकिन तुम तो मेरे पर ही बैठ गए कह रहा कहेगा ऑल ये तो नहीं दिखा रहा भाई कहेगा यार ये तो नहीं लिखा था फ्लिपकार्ट पे आपने ये तो नहीं लिखा था, लेकिन आप इस पर बैठ क्यों गए कूलिंग पैड बोलेगा माहौल बहुत गर्म है, अरे बहुत गर्म है, अगला बेचारा हाथ कूलिंग पैड का दम घुट जाएगा कूलिंग पैड का दम घुट जाएगा, अगला पता क्या बोलेगा अगला ये बोलेगा यार ये चीज तो गलत है भाई, कह रहा मुझे बेचने से पहले ये नहीं बताया गया था मुझे ये भी करना पड़ेगा कह रहा तुम लोगों ने मुझे खरीदा इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मेरे से ये सब करवाओगे कूलिंग पैड भी लाइक गरम हवा सोया बहुत क्या कह यार गलत है यार, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पैसा दे रहे हो तो तुम कुछ भी करवा लोगे मेरे से धोखा हुआ है मेरे साथ अन्याय हुआ है ब्रो, ग्रेट नाइट, ओके पेरिमल ब्रदर टेक केयर, गुड नाइट, ख्याल रखना अपना मेरे भाई, और कल भी आएंगे और दोपहर में भी स्ट्रीम करेंगे, ठीक है ना, आपकी माइनक्राफ्ट वगैरह की अगर आते हो तो वेलकम वगैरह करके आराम से बात करेंगे, ठीक है ना, वरना तो रात तो है ही हमारे पास बातें करने की,
कूलिंग पैड, फिर कंप्लेंट फाइल करेगा। ये पहला केस होगा जो प्रोडक्ट जो है ना वो कंप्लेंट करेगा। प्रोडक्ट कंप्लेंट करेगा उसकी, यूजर की कंप्लेंट करेगा वो, क्या तुमने जिस घर में मुझे भेजा था ना उस घर में मेरे साथ कुकर्म किए गए हैं। कुकर्म पहले तो समझ में नहीं आएगा उसको, जो उसका सैलर होगा, फिर सैलर की रेटिंग गिर जाएगी वहां पे। सैलर बोलेगा यार ये तो मैंने भी नहीं, ये तो मैंने भी नहीं मेंशन किया था यार। कूलिंग पैड अपने गैंग के साथ एफबीआई ओपन अप। एफबीआई और व्हाट, एफबीआई और व्हाट, क्या करेगा एफबीआई में जाके भी यार। अगला पूछेगा क्या हुआ तुम्हारे साथ, वो भी पूछेंगे एफबीआई वाला डिपार्टमेंट भी पूछेगा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, कैसे कैसे हुआ तुम्हारे साथ। वो बेचारा बताएगा कि भाई पहले मुझे डब्बे से निकाला, 10 मिनट तक तो सब कुछ सही लग रहा था जब मैं घर पहुंचा था उसके, तो अगले बंदे ने पहले मेरे ऊपर एक लैपटॉप रखा, वो तो मैंने सह लिया, लेकिन उसके बाद पता नहीं लगा उसने मेरे ऊपर एक लाल रंग की चादर बिछाई, फिर पता नहीं मेरे ऊपर उसने ऐसा क्या रख दिया कि मुझे मेरा दम ही नहीं, मेरी हवा रुक गई, मेरी सांस आनी बंद हो गई। अगला ऊपर से बोला अभी तेरी बहू भी बंद हो जाएगी। आ गया हाँ जी बढ़िया कूलिंग पैच, ओ फुल टू फुल कूलिंग मेरे भाई, कूलिंग और वॉट भैया मैं कल फेस रिवील कर रहा हूँ। ओहो क्या बात है, अरे मरते ही तो नहीं है। कोर्ट केस, कोर्ट केस लड़ेगा। उड़ा दिया अब तो भाई। God, you're what? कोर्ट के सड़ेगा अगला। ये तो हो जाएगा, जैसे जिसकी होनी होती है, करनी में लिखा होता है वैसे ही होता है। बेचारे के दब के प्राण निकलने थे तो प्राण निकल गए बेचारे के, बच जाएगा तो कुछ कर लेगा, नहीं बचेगा तो फिर क्या होगा बताओ। रिएक्ट करोगे, रिएक्शन को लेकर हमारे पास एक अपडेट है बहुत इंपॉर्टेंट, चलो मना नहीं करेंगे, ठीक है ना, मना नहीं करेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। ओपी और वॉलपायर माउट्स है आपके पास, वायरलेस सारे, ये देखो तो मैं सेटअप दिखाऊं, मैं ये देखो मेरा सेटअप, बाकी देखो अभी रिएक्शन जरूर, जब भी मौका मिलेगा जरूर देखेंगे, ठीक है ना, रिएक्शन वगैरह का जरूर ध्यान में रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो नाइस यार, बाकी जो देखा स्ट्रीम को देख रहे हो स्ट्रीम को लाइक करना बोला यार, लाइक करके अपने अपनी अटेंडेंस सबमिट कर दो यार फटाफट से। लाइव पे, ओह लाइव पे देखेंगे यार, बिल्कुल ट्राई करेंगे, बिल्कुल लाइव पे। देखो मेरे भाई मैं अभी एक बहुत ज़्यादा इसी से रिलेटेड एक आपके लिए एक वो आने वाला है सेशन, हम लोग ऐड करने वाले हैं, बस आप समझ जाओ कि वो सेशन में क्या होने वाला है, बाकी सभी क्रिएटर्स के लिए और सभी पर्सन जो जो भी आएंगे ज्वाइन वगैरह करेंगे हम उनको उसके लिए पूरा अगर वो देंगे, ठीक है ना, फिक्र मत करो होगा, बढ़िया होगा। प्योर वॉच लाइव पर तो देखो क्या ही होगा, लाइव पर होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है ना, अभी तो ऐसा कोई प्लान बनाया है नहीं, बट आके जो होगा मैं तुम जरूर शेयर करूँगा। ब्रो नेक्स्ट मैच रैंक इसमें लैग मार रहा है, अरे मर भाई उसमें और मार रहेगा, उसमें हमारी मार रहा है, इसमें ये लैग मार रहा है उसमें हमारी मारी जाएगी, वरना फ्रेंडर पहन तो अगर लैग सह लेंगे लेकिन वो नहीं सहा जाएगा मेरे भाई, अगले दबोच के मारेंगे। चलो यही खेलेंगे यार, चलो गुड नाइट ब्रो, नींद आ रही है, ओहो गुड नाइट, नींद आ रही है, क्या बात है, नींद आ रही है। चलो देख रहे हैं यार, बस अपन एक मैच ही लास्ट खेलेंगे, ये लास्ट ही समझ लो, लास्ट ही खेल रहा हूँ मैं अपने भाई के साथ, और एक लास्ट ही खेल रहा है मेरे भाई, ठीक है ना, लास्ट ही खेलते हैं और उसके बाद अपना ओवर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रैंक लगाएंगे अगला घंटों लगा देगा यार वो खत्म होने में। अरे भाई 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 भाई, ओके गुड, एक लास्ट स्पाइक क्रश, उसके बाद अपन फिर
समाप्ति लेंगे अपनी, मतलब कि समाधि नहीं लेंगे, समाप्ति लेंगे स्ट्रीम से, ठीक है ना। तो दोबारा मिलने भैया, मैं अप्रैल में पीसी ले रहा हूँ, फिर एफएफ छोड़ दूंगा, फिर न्यू एसएमपी बनाऊंगा उसमें, और मैं और आप खेलेंगे। अरे बिल्कुल करो यार, मैं तो चाहता ही हूँ कि आगे और प्लान्स में हम आगे बढ़े, ठीक है ना। हमें पीछे नहीं देखना, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना। पीछे जो हो गया सो हो गया, आगे के लिए भी हमको प्लानिंग करनी है। अरे बोतल गिर गई मेरी, ठीक है। तो आगे के भी यार प्लानिंग्स अगर हम लोगों को लेकर चलनी है, सिर्फ एक पर्टिकुलर गेम की वजह से हम लोग अपने आप को रोक के रखें, ये भी सही नहीं है ना। हम तो कहते हैं तुम सेटअप बनाओ, तुम प्रॉपरली अपना एक अच्छी कम्युनिटी बनाओ, तुम्हारे साथ हम फ्रेंड्स मिल रहे हैं तुम, और आगे भी हम ऐसे ही ढेर सारे प्लान्स साथ में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये चाचा का पता नहीं, अलग ही कुछ चलता है, अलग ही इनका चेहरा, अलग ही चमक मारता है जी। आप ठंडा पानी पीते हो या नॉर्मल? अरे मेरे भाई अभी नॉर्मल हो गया यार, ठंडा लेकर आया था लेकिन नॉर्मल हो गया। मतलब ठंडा इसलिए लेकर आया था क्योंकि आधे घंटे एक घंटे बाद ऐसे भी फ्रिज से निकालो नॉर्मल हो जाता है पानी, और इसलिए बॉटल्स रखी हुई है मेरे भाई, बॉटल्स रखी हुई है पानी की, लगाने पड़ रहे हैं, इसी हफ्ते लगाने पड़ गया पानी मेरे भाई। अभी ना मुझे याद है क्या था, होली, होली से पहले दो दिन पहले इतनी गर्मी हो गई थी, लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी मतलब कि हमको वाटर बॉटल्स वगैरह यूज़ करनी पड़ेंगी। ओके सर, अप्रैल का स्वागत हो गया। अच्छा ऐसा, अप्रैल और वॉच, अभी तो अप्रैल है यार, अभी तो अप्रैल कितने दिन रह गए, 4-5 दिन रह गए अभी तो। अच्छा 2500 अब हुई है, 2500 अब हुई है ना। मुझे तो जुकाम हो रखा है, ठंडा पानी पिया था। अरे हाँ यार, उससे जुकाम हो रहा है। ठंडा डायरेक्ट मत पियो यार, ठंडा पानी बिल्कुल मत पियो, इस समय बच के रहो। बाकी मजबूरी थी यार, ले आया मैं साथ में, वरना तो मैं नहीं लेके आता ठंडा पानी, मैं सादा पानी पीता हूँ। बोतल ही थी पानी की, मैंने कहा यार पानी बोतल लेके जानी है, अगली ठंडी निकाल के ले जाओ, थोड़ा बहुत कह लेंगे थोड़ा। बाकी ये देखो, इधर सीधे हाथ पे पानी और उल्टे हाथ पे रुमाल, ये देख रहे हो जेब में। अगला अगर गलती से अगर वही वाली बात है, जुकाम भी है तो साथ के साथ सेवा भी होती रहेगी। स्पाइक रश मिक्स वाटर ओपी, हाँ मिक्स वाटर यार, वो एक्चुअली यार मिक्स वाटर ना वन टाइम यूज ही होता है यार, मिक्स वाटर जो है ना वन टाइम ही यूज होता है, क्योंकि यार मिक्स वाटर एक बार अगर पानी मिल कर दो फिर वो नॉर्मल ही हो जाता है यार, वो चिलनेस खत्म हो जाती है। आप अभी हाउस टूर दो करोगे क्या? देखो सोच रहे हैं हाउस टूर, बाहर से आप घर की फोटो खींचिए, मैं थंबनेल लगा दूंगा, ठीक है ना। और वीडियो का अंदर देख लेंगे क्या करना है। एक्चुअली पता है अभी हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि एक बार थोड़ा सा एक बार थोड़ा बेस बन जाए ना, उसके बाद फिर वीडियोस वगैरह बनाएंगे उस हिसाब से, ताकि पर्सन्स कितने एक वो बन जाती है, एक बड़ा एक ह्यूज आपका रिएक्शन बनता है हर किसी का। तो हम ह्यूज कलेक्शन का वेट कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा सजेशंस, जितने ज़्यादा उसके अंदर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए चांसेस आएंगे, ठीक है ना। बाकी यार अच्छी बात है, पपर 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 पपर। चलते क्यों नहीं हो रे, आ जाओ। अरे यार मारा था लेकिन निकला, मरा नहीं। आगे पीछे दो बेड है क्या? दो बेड नहीं, हाँ क्या कहते तो ये बेड ही है, ये एक्चुअली क्या ये दीवान है। अगर आपको दीवान का मतलब समझते हो क्या होता है, ये अलग अलग मतलब ये अलग अलग काइंड ऑफ हाउ बेड्स हैं, जो कि हमारे रिलेटिव्स के लिए, जो रिलेटिव्स वगैरह अगर आते हैं रेस्ट वगैरह करने के लिए तो उनको यहीं पर रेस्ट करवाते हैं। और बस वही है कि रिलेटिव का तो पता नहीं, हमने फ़िलहाल यहाँ पर अपनी हमने बस धीरे धीरे करके यहाँ पर अपना छोटा सा मोर्चा बना लिया, जिससे कि हमको कब्जा मजबूत हो गया है यहाँ पर हमारा। पहले था, पहले हम लोगों ने स्टडी रूम गए, फिर स्टडी रूम में अच्छे से प्रॉपरली पता लग गया कि हाँ वहाँ पर कैसे जगह बनाई है। हाँ वही दीवान है, दीवान बताए ना,
इवांस, इवांस और व्हाट, ओह क्या बात है, तो एक्चुअली अलग अलग है, मतलब साइज भी इनका अलग अलग है। तो रूम में यार एक्चुअली क्या है ना, बाहर हमारे ना एक्चुअल क्या है कि बाहर की जो साइड है ना वो थोड़ी जगह थोड़ी कम पड़ती थी। अब ये रूम में तो वही वाली बात है, रूम में तो कोई भी चीज़ कॉर्नर टू कॉर्नर लगा के मेंटेन किया जा सकता, तो बस ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। अरे यार ये क्या कर रहा है, बहुत कम गलत बात, गंदी 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 बात, गंदी 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 बात। अरे क्यों चिल्ला रही हो, आप कभी लखनऊ आओगे क्या? लखनऊ, लखनऊ आना हो सकता है कभी कोई कारण से तो बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, अभी तो समय को देखते हुए कुछ नहीं बोल सकते। आगे अगर कोई ऐसा कारण किसी काम की वजह से अगर आना हुआ तो ज़रूर आना पसंद करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि एक्चुअल में अभी क्या है कि उस तरफ तो आना होता है, मतलब कि आपका जो उधर, ओके और वॉट, अभी देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो स्पाइक हमारे पास है, ओ ये देख रहे हो, ये क्या था? आजा बारा, अरे मारे जा रहे हैं। सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह उठ जाते हैं यार 9-10 बजे के आसपास उठ जाते हैं, पहले जब जाया करते थे काम पर तो 12 बजे तक सो जाया करते थे, और अब तो यही है कि 2, 2:15 बजे तक सो तो जाता हूँ, मतलब बस अब सोना ही है, अब बस एंड करी और 10 मिनट अपना मोबाइल में, मतलब अपना व्हाट्सएप वगैरह चेक किया, और अपना जो भी डाउट वगैरह आए थे किसी के चैनल वगैरह को लेकर, टेक्निकल टेक्निकल चैनल वगैरह पे अगर कोई डाउट वगैरह आए वगैरह होंगे तो उनको भी थोड़ा बहुत कर उसको उन उनको बस वो करके रिप्लाई वगैरह करके गाइड वगैरह करके फिर एंड, फिर कल सुबह आराम से फिर उठेंगे 8-9 बजे तक, कई बार 10 बजे, कई, ओके 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 गुड। व्हाट्सएप नंबर दे सकते हो? व्हाट्सएप का आईडी देखो यही है, अभी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, बाकी व्हाट्सएप बहुत कम यूज कर रहे हैं भाई, क्योंकि एक्चुअल व्हाट्सएप जो है ना वो उन नंबर्स वगैरह होता है एक्चुअल वही है कि फैमिली ग्रुप्स हो गए, फैमिली ग्रुप्स जो होते हैं उन्हीं सब, मतलब कि उन्हीं में इन्वॉल्वमेंट है, तो वो भी पता ही है जब रिक्वायरमेंट होती है तभी इस्तेमाल में होते हैं, बाकी इंस्टाग्राम वगैरह यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर करो और उस पर ज़्यादा एक्टिव है समय यार, क्योंकि पहले जब मतलब कि इतना स्ट्रीम्स वगैरह नहीं करते थे तो टाइम थोड़ा कम देते थे उसको इंस्टाग्राम वगैरह को, और अब थोड़ा बहुत मतलब कि थोड़ा अब फ्रेंड्स वगैरह कनेक्ट हो गए वहाँ पर जुड़ गए तो उनके मैसेजेस वगैरह आते हैं, या फिर कोई भी बात को लेकर कोई भी अपनी डिस्कस करना चाहता है या फिर कोई क्वेरी वगैरह होती है तो आराम से बात करते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, मैं समझा समझता हूँ नंबर, नो प्रॉब्लम, नहीं ऐसा कोई वैसा कोई केस नहीं है, बट वही है कि शेयर करने में कोई वैसा कोई वो नहीं करता, बट एक्चुअल सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं नहीं चाहता कि हम मैं डिवाइड करें, हम पर्सन को डिवाइड कर दे, तो हमने एक्चुअल क्या है कि जो आपका इंस्टाग्राम हो गया वो प्रॉपरली डेडिकेटेड है हमारे अपनों के लिए, मतलब कि सारे जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं स्ट्रीम्स वगैरह से मिल रहे हो, फ्रेंड्स वगैरह जो हमारे होते हैं तो वहाँ पर टाइम जो है ना प्रॉपर उनको दे पाते हैं, वरना अगर हम क्लैश कर दें और किसी का कोई डाउट आया हो तो उनको बताओगे कि भैया मैंने इस बारे में बात शेयर करी, इसका मतलब पता होगा कि आपने या तो डिस्कॉर्ड पर शेयर करी है या तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे शेयर करी है, तो मैं आपसे पूछ लूंगा कि आपने इंस्टा पे करी है या किस पे करी है, तो इससे क्या होगा कि वहाँ पर जब भी मैं विजिट करूँगा तो उससे रिलेटेड या फिर और किसी और ने कुछ कहा होगा या कुछ शेयर किया होगा,
बट उन्होंने वहाँ मतलब मुझे आके चैट पे नहीं बता पाए होंगे किसी रीजंस की वजह से, तो वो भी साथ में कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी इंस्टाग्राम पे भी सारे फीचर्स हैं, इंस्टाग्राम पे आप वीडियो कॉल्स भी कर सकते हो, नॉर्मल कॉल्स भी कर सकते हो, नॉर्मल कॉल्स, व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स हो गए और आपके चैट वगैरह हो गए, तो सभी चल रहे हैं उसके अंदर, तो उसका तो लेकर तो कोई ऐसा कोई रहा नहीं है, ठीक है ना। तो बस वही फिक्र वाली कोई बात नहीं, ठीक है ना। अगर तुम्हें कोई बात कहनी हो, तुम चाहे जहाँ पर भी तुम्हें मुझे लगे कि चैट पे तो हो ही पब्लिकली, लेकिन अगर वही है कि अगर तुमको लगता है कि यहाँ कोई प्राइवेसी को लेकर तुम्हारे कोई ऐसे कोई डाउट हैं जिनको लेकर हम लोग कंसल्ट कर सकते हैं, तो योर चॉइस, इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड जो आपको कंफर्टेबल लगे आप तो अपनी बात। ये एक्चुअल पता है क्या सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज का समय जो अभी देख लगता है कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मतलब भी होता है आपकी तरफ से चौकीदार की आवाज़ आ रही है। हाँ मेरे भाई चौकीदार आ गया, चौकीदार भी अगला सोचता होगा कि मैं जिसके घर के बाद चौकीदारी करने जाता हूँ वो तो मेरे पास सोता है। जॉर्डर वॉच अभी आएंगे, अभी तो खूब राउंड लगते हैं हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ खूब राउंड लगते हैं। अगले ये नॉइस कैंसिल नहीं होती है गुरु, ये नॉइस कैंसिल नहीं करेगा, ये जो नॉइस कैंसिलेशन होता है हमारी आवाज ही नॉइस कैंसिल करता है जब हम स्ट्रीम कर रहे होते हैं। अल्लाह की सोच है। यार कुत्तों का बता रहा जीना हराम हो रखा है, दिन में उनको बैठने देते, रात को पता नहीं उनको क्या हो जाता है, इनको देख कर अलग ही उनके शौक, चलो उड़ाते हैं बस खत्म करते हैं। अरे यार कैसा लग रहा होगा देखने में यार, छोटा छोटा स्क्रीन आ गई, इसे बंद करो पहले मैं यार गेम को। ओके नाइस, आई लव यू भैया, आई लव यू चू। चलो ओके ब्रदर्स, चल रहे हैं, ख्याल रखना, ठीक है ना। अभी कल भी आएंगे, कल भी आपने अगर ज्वाइन करना हो तो बता देना मेरे को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो टेक केयर, गुड नाइट। हाँ जी, डॉग की आवाज़ भी आ रही है, डॉग की आवाज़ भी आ रही है यार, ये बड़ा सही सीन है यार, डॉग की आवाज़ भी यहाँ तक आ रही है, मुझे नहीं पता था कि यार इतनी ज़ोर ज़ोर से हो यार। हमने पता एक्चुअली होता है रीज़न क्या होता है, ये हेडफोन्स लगाए होते हैं एक तो हमें भी आवाज़ कम आती है बाहर की, लेकिन जब पता लगता है कि यार क्या बातें चल रही है तो जानकारी मिल जाती है, ठीक है ना। चल अच्छी बात है, ओके चलो मॉर्टल, टेक केयर मेरे भाई, गुड नाइट। और गुरु क्या लगता है मेरे भाई, ठीक है ना, टेक केयर गुड नाइट। बाकी अपने भाई को भी, सभी को जो जो फ्रेंड्स कनेक्टेड हैं और अभी भी देख रहे हैं या फिर आते हैं, तो सभी को यार ख्याल रखो अपना, टेक केयर एंड बाय बाय, ठीक है ना। और अपने अटैक भाई को, ठीक है ना, गुड नाइट।